चलो लेटेस्ट डिज़ाइनर सिस्टम बस हेयर तो सिस्टम बस तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वी विल टेक फोर रजिस्टर्स और बिकॉज मैं बहुत कंज्यूज हूँ आई एम वेरी कंज्यूज एंड आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम तो मैं क्या करूंगा आई एम जस्ट गोइंग टू टेक फोर रजिस्टर्स हेयर एंड फॉर एवरी रजिस्टर आई एम गोइंग टू एज्यूम कि हमारे फोर बिट के रजिस्टर है चलेगा चलेगा आई एम नॉट टेकिंग अ डिफिकल्ट एग्जाम्पल बिकॉज ऑब्वियसली डिफिकल्ट एग्जाम्पल के लिए आई हैव टू स्पेंड अ एंटायर डे टू डिज़ाइन द सिस्टम बस तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बिकॉज आई एम वेरी लेजी फॉर यू ऑल ऑफ यू नो कि मैं कितना लेजी हूँ दैर इज वाई आई एम गोइंग टू टेक स्मॉल एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक अ रजिस्टर विच ऑफ फोर बिट तो जैसे ये हमारे पास रजिस्टर है राइट फर्स्ट द फर्स्ट रजिस्टर द सेकेंड रजिस्टर द थर्ड रजिस्टर एंड दिस इज प्रजेंटिंग द फोर्थ रजिस्टर ठीक है क्या है हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करें दे आर रिप्रेजेंटिंग रजिस्टर्स ठीक है दिस इज रजिस्टर ए दिस इज रिप्रेजेंटिंग रजिस्टर बी दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रजिस्टर सी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रजिस्टर डी तो ये सभी जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडरस्टूड एंड ऑल ऑफ दीज रजिस्टर्स आर फोर बिट रजिस्टर्स ये सभी जो हैं हमारे पास फोर बिट के रजिस्टर्स हैं ऑल ऑफ रजिस्टर्स आर फोर बिट रजिस्टर्स क्लियर अच्छा बाय द वे दिस एंटायर थिंग आई कॉपीड फ्रॉम द बुक विच इज़ मॉरिस मैनो तो डायरेक्टली मैं मॉरिस मैनो से पढ़ा रहा हूँ सो आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे एंड आई नो दैट यू कैस आर सुपर डुपर स्मार्ट तो आप समझ जाएंगे ठीक है तो हमारे पास चार रजिस्टर्स हैं और सभी रजिस्टर जो हैं वो चार बिट के हैं ठीक है अब सिस्टम बस का काम क्या है वट इज़ द यूज़ ऑफ सिस्टम बस क्या काम है अरे पूछो ना सर अरे सर प्यार से बताओ ना सर क्या काम है देखो सर सिस्टम बस का एक बहुत आसान काम है काम ये है कि इन सभी रजिस्टर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना जैसे रजिस्टर ए से बीच से हम डेटा को रजिस्टर बी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रजिस्टर बी से हम रजिस्टर ए में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसी तरीके से, से ए से सी में सी से ए में ए से सी में सी से बी में यानी कि इन सभी रजिस्टर्स के बीच में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी डू इट आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम बस मैं सभी ऑपरेशन को सिस्टम बस की हेल्प से कर सकता हूँ किसकी हेल्प से सिस्टम बस मेरी प्यारी सिस्टम बस तो यहाँ पर सभी रजिस्टर्स के अंदर यू नो यू आर गोइंग टू हैव फोर बिट तो सभी फोर बिट है तो वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज फोर बिट्स बिट नंबर जीरो बिट नंबर वन बिट नंबर टू बिट नंबर थ्री अगेन बिट नंबर जीरो बिट नंबर वन बिट नंबर टू बिट नंबर थ्री बिट नंबर जीरो बिट नंबर वन बिट नंबर टू बिट नंबर थ्री बिट नंबर जीरो बिट नंबर वन बिट नंबर टू एंड बिट नंबर थ्री तो हर एक रजिस्टर के अंदर आई एम हैविंग फोर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ठीक है अब मेरा काम क्या है कि मुझे इन सभी रजिस्टर्स के बीच में ट्रांसफर करना है डेटा को ठीक है अब मैं उसके लिए बस कैसे डिजाइन करूँगा टू डिज़ाइन अ बस हीयर आई एम गोइंग टू नीड फोर मट्टीप्लेक्सर्स कितने मल्टीप्लेक्सर के चाहिए फोर मल्टीप्लेक्सर आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सर को कैसे डिज़ाइन करना है राइट देखो अब आपको सब कुछ पता है राइट right? अब हम मुझे कंप्लेन नहीं कर सकते मैंने आपको बताया कि रजिस्टर कैसे बनाना है मैंने आपको ये भी बताया कि मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाना है अब ये जो चीज़ें हैं ना इससे ज़्यादा क्लियर कहीं कर नहीं सकता है बिकॉज अब टेकन कहाँ से बैकग्राउंड लेकर आया मैं आपका अब टेकन फ्राम डिजिटल लॉजिक और डिजिटल लॉजिक से यहाँ पर मैं पहुँच गया राइट right? तो ज़्यादा तो कोई इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा ठीक है सो हियर आई एम गोइंग टू नीड फोर मल्टीप्लेक्सर राइट फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर द सेकेंड मल्टीप्लेक्सर थर्ड मल्टीप्लेक्सर एंड दिस इज़ योर फोर्थ मल्टीप्लेक्सर राइट सभी मल्टीप्लेक्सर्स हैं सो दिस इज़ अ फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर अगेन इट इज़ अ फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर अगेन इट इज़ अ फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर अगेन इट इज़ अ फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर ये चार हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स हैं ओके सो अब फोर क्रॉस वन का मतलब क्या है कि दे आर गोइंग टू हैव वन इनपुट एंड फोर आउटपुट्स तो यहाँ पर दिस इज़ प्रजेंटिंग वन इनपुट वन इनपुट वन इनपुट एंड वन इनपुट फोर आउटपुट्स वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर आपके पास फोर आउटपुट्स हैं ठीक है अब मैं क्या करूँगा हर एक मल्टीप्लेक्सर का जो एक आउटपुट है जैसे ये आउटपुट जीरो है दिस इज़ आउटपुट वन दिस इज़ आउटपुट टू दिस इज़ आउटपुट थ्री आउटपुट जीरो आउटपुट वन आउटपुट टू आउटपुट थ्री आउटपुट जीरो आउटपुट वन आउटपुट टू आउटपुट थ्री आउटपुट ज़ीरो आउटपुट वन आउटपुट टू आउटपुट थ्री तो हर एक मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट ज़ीरो है हर एक मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट ज़ीरो है ठीक है तो इनमें से एक मल्टीप्लेक्सर के साथ उसको कंबाइन करूंगा राइट सो हियर ठीक है सो लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं सो सोड आई कैन डू हियर जैसे आपका पहला मल्टीप्लेक्सर है राइट इन योर फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर लेट मी चूज़ सम पेन कलर्स ताकि आप सभी के साथ क्लियर रहे so let me make it clear so what i can do here is i can uh, take this one and i can connect with this theek hai to sabhi ka jo output 3 hai usko main yahan par is multiplexer ke sath connect karunga i'm connecting output 3 with the first multiplexer here understood theek hai fir uske baad fir uske baad jo output 2 hai i'm going to connect the output 2 with the second multiplexer here लाइक like दिस मैं सभी का जो आउटपुट टू है वो यहाँ से कनेक्ट करूँगा ठीक है देन आफ्टर दिस अब जो हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट है कौन सा है आपके पास द आउटपुट इज़ आउटपुट नंबर वन ओ सो सॉरी आई थिंक आव डन सम मिस्टेक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है सो लेट मी करेक्ट रेक्टीफाई माई मिस्टेक सो दिस सॉरी दिस विल बी कनेक्टेड हेयर सो दिस विल बी कनेक्टेड हेयर दिस विल बी कनेक्टेड हेयर एंड दिस विल बी कनेक्टेड हेयर ठीक है ये सभी मल्टीप्लेक्सर का मैंने कनेक्ट किया करेक्ट उसके बाद आई टेक अनदर आउटपुट कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले लेट मी टेक कलर कौन सा कलर चूज किया जाए दैट शुड नॉट मैच लेट मी टेक दिस कलर ओके सो आई एम गोइंग टू टेक दिस आउटपुट वन आई एम गोइंग टू इट हियर इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे ओके okay? एंड देन ऐट द लास्ट आई विल टेक आउटपुट ज़ीरो आई मीन दिस बिट नंबर जीरो तो बिट नंबर जीरो को मैं इस मल्टीप्लेक्सर के साथ कनेक्ट करूंगा ठीक है अंडरस्टूड अब मैंने मल्टीप्लेक्सर्स के यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं ठीक है अब मैं क्या करूँगा फॉर एवरी मल्टीप्लेक्सेड आई विल गि सेलेक्ट लाइन ठीक है हर एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होगी हमारे पास एक ऑब्वियसली दिस इज फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर अगर आपके पास फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर है तो फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर में कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी यस वी विल बी हैविंग टू सेलेक्ट लाइंस कितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी आपके पास दो ठीक है सो लेट मी मेक दिस सेलेक्ट लाइंस हियर तो सभी सेलेक्ट लाइंस को बनाता हूँ सो आई एम गोइंग टू हैव टू सेलेक्ट लाइन्स हियर दीज आर द टू सेलेक्ट लाइन्स सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद दीज मल्टीप्लेक्सर्स ठीक है सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर सेलेक्ट लाइन नंबर लेट अस अज्यूम इट इज़ जीरो एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर सेलेक्ट लाइन नंबर वन तो सभी में हमने सेलेक्ट लाइन्स को कनेक्ट किया ओके सो आफ्टर दिस सेलेक्ट लाइन अब हमें क्या करना है वी हैव टू कनेक्ट द डेटा इनपुट ठीक है अब हमें डेटा इनपुट्स को कनेक्ट करना है तो लेट मी डू वन थिंग बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इट माइट बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड तो डायग्राम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं लेट मी ट्राई टू सिम्प्लीफाई द डायग्राम एज मच एज पॉसिबल ठीक है तो जो डेटा लाइन के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लाइन इस कलर को मैं यूज करता हूँ टूल प्रजेंट द रेट लाइन ठीक है सो हियर यहाँ से जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी गिवन हेयर इन दिस लाइन लाइक दिस ठीक है सो यहाँ से जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी गिवन हेयर लाइक दिस यहाँ से जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी गिवन हेयर लाइक दिस और यहाँ से जो भी आउटपुट होगा दैट विल की बी की वन लाइक दिस ठीक है अब जो भी आपके पास है आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिज आउटपुट्स टू दीज रजिस्टर्स ओके तो लेट मी नेम देम दिस इज रिप्रेजेंटिंग डी ज़ीरो दिस इज रिप्रेजेंटिंग डी वन डिजिट वन दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिजिट टू एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिजिट थ्री क्लियर तो आपकी जो डिजिट ज़ीरो है आई एम गोइंग टू कनेक्ट डिजिट ज़ीरो टू ईच ऑफ दिस रजिस्टर्स डिजिट ज़ीरो यहाँ पर ठीक है सो अगेन सो वी हैव हियर डिजिट जीरो हियर डिजिट ओके अब उसके बाद वी हैव टू कनेक्ट द डिजिट वन सो डिजिट वन डिजिट वन डिजिट वन एंड डिजिट वन and then we have to connect the digit 2 so this is digit 2 digit 2 and again digit 2 and then we have to connect the digit number 3 so digit number 3 here almost done ठीक है almost done है but इसमें एक और चीज़ की कमी है that is your control signals तो अभी तो तो मेरे पास उसके लिए space नहीं है I do not want to complicate it so let me make it simply तो so I can say इन सभी के अंदर हमारे पास एक यहाँ पर control signal है And this control signal is for load, whether you want to load in these locations in these registers or not. theek hai so this is representing LD. to तो ye LD ko represent kar raha है, that is your load signal. theek hai so obviously we can have clear signal, we have load, we have increment. to ye sabhi registers aapke paas hain okay? अब ये काम कैसे करेगा? So diagram is almost complete. Now tell me how it it will work. Think about it. देखो, अब diagram में मैंने क्या-क्या किया है, अब समझो कि ये काम कैसे करेगा. Understood? अब देखो ये काम कैसे करेगा हाउ विल इट वर्क हाउ विल इट वर्क कैसे काम करेगा ठीक है देखो एक चीज़ यहाँ पर समझने की है ठीक है तो यहाँ पर दो लाइंस होंगी यहाँ पर एक ऐसी लाइन होगी जो कि इनपुट देने के लिए यूज़ हो रही है और दूसरी ऐसी लाइन है जो कि यहाँ से आउटपुट देने के लिए यूज़ हो रहे है तो यहाँ पर हम रजिस्टर्स के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग पैरल इन एंड वी आर यूजिंग पैरल आउट हम यहाँ पर पैडल इन और पैलल आउट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं ठीक है आई होप यू रिमेंबर इट तो रजिस्टर्स में हमने बताया था रजिस्टर्स अगर आपने चेक किए थे रजिस्टर के वीडियोस मतलब रजिस्टर में जब आपको रिवाइज़ करा रहा था डिजिटल लॉजिक तो डिजिटल लॉजिक में मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्स में जो आपके फ्लिप फ्लॉप्स है उन फ्लिप फ्लॉप्स को आप इनपुट सीरियली भी दे सकते हैं और पैरली भी दे सकते हैं यू कैन हैव सीरियल इन सीरियल आउट यू कैन हैव पैडल इन एंड पैडल आउट तो इस तरीके से आप उनको दे सकते हैं आई होप इट इज़ क्लियर इतना सभी के साथ क्लियर है राइट मैं एक बार फिर से बताता हूँ मी एक्सप्लेन देखो आपके पास दो कॉन्सेप्ट है वी हैव टू कॉन्सेप्ट वन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर सेकंड इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर तो जो आपके पास मल्टीप्लेक्सर होता है इन योर मल्टीप्लेक्सर्स यू हैव फोर इनपुट्स ओके एंड यू हैव वन आउटपुट ओके एंड डी मल्टीप्लेक्सर्स के अंदर यू हैव वन इनपुट एंड यू हैव फोर आउटपुट्स ठीक है ठीक है तो बस ये लास्ट एग्जाम्पल आई थिंक आई फ्रॉम दिस एग्जाम्पल आई कैन मूव फॉरवर्ड तो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ क्लियर तो यहाँ पर जो है हम लोग पैडल इन पैल आउट का कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैडल इन एंड पैडल आउट ठीक है तो हियर यू कैन सी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज दीज लाइंस आर बेसिकली इनपुट टू रजिस्टर्स ये जो लाइन है ये रजिस्टर्स का इनपुट है एंड दीज लाइन्स यर दे आर प्रजेंटिंग आउटपुट फ्राम रजिस्टर्स दे आर प्रजेंटिंग आउटपुट फ्राम रजिस्टर्स ठीक है तो लेटर्स अज्यूम कि हम लोग सेलेक्ट लाइन्स में ज़ीरो वन पास करेंगे क्या पास करेंगे यहाँ पर जीरो वन जीरो वन का मतलब क्या है कि ये जो आउटपुट नंबर टू है हर एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर आउटपुट नंबर टू जो है आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा इन एवरी मल्टीप्लेक्सर आउटपुट नंबर टू विल भी एक्टिवेटेड ठीक है तो हम करेंगे क्या यहाँ से सबसे पहले हर एक रजिस्टर के अंदर हमारे पास एक लोड सिग्नल होता है वी हैव स्टोर हिंद सिग्नल ठीक है लोड एंड स्टोर दो सिग्नल्स आपके पास होते हैं करेक्ट तो हम लोग क्या करेंगे अगर हमें रजिस्टर ए से लेकर रजिस्टर सी के पास डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे उस केस में वी आर गोइंग टू यू नो एक्टिवेट दिस रजिस्टर सी और रजिस्टर सी में जो लोड सिग्नल है हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो डेटा रजिस्टर ए से जा रहा है सो दिस रजिस्टर ए डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर ए का जो डेटा है वो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर्स के पास ट्रांसफर करेगा अंडरस्टूड आई होप आप सब देख पा रहे होंगे तो रजिस्टर ए का जो डेटा है वो हर एक मल्टीप्लेक्सर में ट्रांसफ़र करेगा एंड इन दैट मल्टीप्लेक्सर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्ट लाइन बिकॉज हमने सेलेक्ट लाइन में जीरो वन पास किया है सो दिस आउटपुट टू विल भी एक्टिवेटेड तो आई थिंक अ स्मॉल डन अ स्मॉल मिस्टेक अगेन तो यहाँ पर क्या है कि हमें बिकॉज करना कहाँ से कहाँ तक है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि, कि करना कहाँ से कहाँ तक है राइट right? हमें ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करना है तो ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करना है हमें ट्रांसफ़र करना है हमें यहाँ पर आ, रजिस्टर ए से हमें रजिस्टर ए से लेकर रजिस्टर सी में ट्रांसफ़र करना है कहाँ से रजिस्टर ए से वी वॉन्ट टू ट्रांसफ़र द डेटा टू रजिस्टर सी और थोड़ा प्यार से समझना बिकॉज दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है तो देखो हमें ए से लेकर सी के पास डेटा ट्रांसफ़र करना है कहाँ से कहाँ तक ए से लेकर सी के पास ठीक है ए से लेकर सी के पास कैसे करेंगे सबसे पहले हमें सी से डेटा को रीड करना पड़ेगा तो सी कौन सा है इट इज़ रजिस्टर नंबर टू ये रजिस्टर नंबर जीरो है दिस इज रजिस्टर नंबर वन दिस इज़ रजिस्टर नंबर टू एंड दिस इज़ रजिस्टर नंबर थ्री सी कौन सा है रजिस्टर हमारा इट इज़ रजिस्टर नंबर टू यानी कि हम यहाँ पर स्लेट लाइन में जीरो वन को पास करेंगे क्या पास करेंगे जीरो वन तो ज़ीरो वन का मतलब है कि जो इनपुट नंबर टू है ये उसको एक्टिवेट करेगा राइट तो इनपुट नंबर टू यानी कि ये वाला जो इनपुट है ये वाली जो लाइन है ये एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ से जाएगा इनपुट यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये जाएगा इनपुट यहाँ पर भी आप देख सकते हो यर इन दिस केस राइट तो यहाँ से देखो ये जो इनपुट नंबर टू है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से जो इनपुट नंबर टू है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा तो हर एक रजिस्टर के अंदर जो इनपुट नंबर टू है वो एक्टिवेट हो जाएगा राइट आई मीन हर एक मल्टीप्लेक्सर के इनपुट नंबर टू एक्टिवेट हो जाएगा और ये जाएगा यहाँ पर डेटा लाइंस इन सभी के पास एज़ ए आउटपुट यहाँ से सभी के पास आउटपुट जाएगा राइट right? और जिस भी रजिस्टर के अंदर हमें लोड करना है हम वो वहाँ पर लोड सिग्नल को वन कर देंगे हम लोग लोड सिग्नल को एक्टिवेट कर देंगे यानी कि जो रजिस्टर नंबर सी का डेटा है वो यहाँ से फ्लो कर रहा होगा दिस डेटा दैट इज फ्लोइंग इन दिस लाइन विल बी फ्रॉम रजिस्टर नंबर सी और बिकॉज रजिस्टर नंबर सी का डेटा फ्लो कर रहा है और हमने रजिस्टर नंबर ए के अंदर लोड सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया है तो ये जो डेटा है वो कहाँ पर कॉपी हो जाएगा रजिस्टर नंबर ए के अंदर किसके अंदर रजिस्टर नंबर ए के अंदर ओके सो आई बिलीव जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया सो लेट मी सिम्प्लीफाई द डायग्राम फॉर यू गाइस आप सभी के लिए इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और सिम्प्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूँ ओके सो ट मी शो यू द सेम डाइग्राम तो यहाँ पर भी सेम डाइग्राम ही है दिस इज़ द डायाम टेक्स्ट दैट इज़ दैट आइफ कापीड फ्राम द बुक तो ये बुक से मैंने कॉपी किया था लेट मी ट्राई टू जूम इट अप अगर हो सकता है तो so, ये देखो तो so, ये सेम डग्राम है बट दिस डायग्राम आइव कापीड फ्राम द बुक ये डायग्राम जो है मैंने बुक से कॉपी किया था सो यू कैन व्यू दिस डाइग्राम हियर तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है इधर अगर हमें यहाँ पर रजिस्टर नंबर जो सी का डेटा है वो रजिस्टर नंबर ए में करना है तो हम लोग क्या पास करेंगे यहाँ पर जीरो वन पास करेंगे सेट लाइन में तो अगर हमने जीरो वन पास किया तो सभी का जो सेकंड इनपुट है ये वाला जो इनपुट है ये सभी रजिस्टर्स का ये वाला जो इनपुट है ये एक्टिवेट हो जाएगा राइट सो आई मीन सभी मल्टीप्लेक्सर्स का ये इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा दिस इनपुट विल बी एक्टिवेट फॉर एवरी मल्टीप्लेक्सर और सभी मल्टीप्लेक्सर का ये जो आउटपुट है ये जो आउटपुट है वो हर एक रजिस्टर के पास जा रहा है यानी कि रजिस्टर के अंदर अगर हम लोड सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे अगर रजिस्टर नम्बर ए के अंदर लोड सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे तो रजिस्टर सी का जो डेटा है वो रजिस्टर ए के अंदर कॉपी हो जाएगा यानी कि यानी कि जो आपकी डेटा बस है टू बिल्ड दिस डेटा बस यू नीड मल्टीप्लेक्सर्स इस डेटा बस को बिल्ड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर्स की ज़रूरत है तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द कॉमन बस सिस्टम अब यहाँ पर कितने कॉम्पोनेंट हैं हमारे कंप्यूटर्स में इस पूरे कंप्यूटर में कितने कॉम्पोनेंट को हमने कनेक्ट किया कितने है कितने कॉम्पोनेंट है फर्स्ट कॉम्पोनेट कौन सा आपका मेमोरी यूनिट सेकेंड कॉम्पोनेंट एड्रेस रजिस्टर थर्ड कॉम्पोनेंट प्रोग्राम काउंटर द फोर्थ कॉम्पोनेंट डेटा रजिस्टर फिफ्थ कॉम्पोनेंट इज योर एक्ूमलेटर सिक्सथ कॉम्पोनेंट इज़ योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड सेवंथ कॉम्पोनेंट इज योर टेम्प्रे रजिस्टर यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो हमने अपना यहाँ पर ये प्यारा सा दुलारा सा सिस्टम जनरेट किया है हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स और मेमरीज टू वी हैव टू कनेक्ट कितनी मेमरीज को यहाँ पर कनेक्ट करने की ज़रूरत है वी वॉन्ट टू कनेक्ट टोटल ऑफ सेवनटीन मेम सेवन मेमरी लोकेशंस तो सेवन मेमरी लोकेशंस के अंदर अगर सेवन मेमरी लोकेशंस है देन वट इज़ द मल्टीप्लेक्सर यू नीड सो आपको कितने मल्टीप्लेक्सर्स की ज़रूरत है यहाँ पर सो यू आर गोइंग टू नीड आई थिंक सेवन मल्टीप्लेक्सर्स और हर एक मल्टीप्लेक्सर में यू आर गोइंग टू हैव यू नो सेलेक्ट लाइन्स कितनी स्ट्रेट लाइन्स होंगी यू आर गोइंग टू नीड टोटल थ्री स्टेट लाइन्स राइट सो इट इज़ थ्री क्रॉस एट मल्टीप्लेक्सर तो हमें यहाँ पर थ्री क्रॉस एट मल्टीप्लेक्सर चाहिए सो दिस सिस्टम बस जो हमारे पास सिस्टम बस है दिस सिस्टम बस विल बी ऑफ थ्री क्रॉस एट मल्टीप्लेक्सर सिस्टम बस क्लियर हुआ इतना क्लियर है अच्छा मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन साइकिल इफ यू रिमेंबर इट तो ये मेरा प्रीवियस लेक्चर था तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल को डिस्कस किया था इन दिस केस ऑल्सो हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल को ही डिस्कस करेंगे दोबारा से तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में मल्टीप्लेक्सर की क्या वैल्यूज होगी सो दैट यू कैन एक्जीक्यूट अ प्रोग्राम ठीक है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले फेच साइकिल कौन सी थी आपके पास फेच साइकिल द सेकेंड वन इज डिकोड इंस्ट्रक्शन द थर्ड वन इज़ रीड एड्रेस फ्रॉम मेमरी एंड द फोर्थ वन इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन तो मैंने बताया था कि इसका जो स्टेप है वट वॉज द स्टेप कौन कौन से स्टेप थे सबसे पहले स्टार्ट करो सबसे पहले ट्रांसफर करो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है दैट ट्रांसफर दैट एड्रेस टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एम और हमारे केस में मेमोरी रजिस्टर का मतलब क्या है एड्रेस रजिस्टर ओनली ठीक है नेक्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर उसके बाद जो एम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उसकी वैल्यू से हम लोग मेमोरी डेटा रजिस्टर में डेटा को कॉपी कर लेंगे मेमोरी के अंदर राइट right? तो हम लोग यहाँ पर क्या था आपके पास दिस इज़ एम ए आर एम ए आर मीन्स एड्रेस रजिस्टर एंड एम डी आर एम डी आर मीन्स मेमरी डेटा रजिस्टर हमारे पास नाम क्या है उसका डेटा रजिस्टर ओके ओके देन वी हैव इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फिर आपके पास था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड देन यहाँ पर आपके पास है कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि कंट्रोल यूनिट जो भी ऑपरेशन है उसको डिकोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा अगेन तो इस तरीके से हमारे पास कुछ प्रोसेस थी राइट right. तो इस प्रोसेस को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो प्रोसेस है वो इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कैसे काम करेगी हाउ ऑल ऑफ दिस प्रोसेस आर गोइंग टू वर्क इन दिस कंप्यूटर सिस्टम ठीक है चलिए ये उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे अदरवाइज इट विल बिकम टू मच फॉर टुडे आपके लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा सो आई एल नॉट डिस्कस इट बट जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया आप सभी के लिए ब्रीफ आइडिया क्या है कि यहाँ पर जो भी सिलेक्ट लाइन्स है वट आर द वैल्यूज वी पास इन द सेलेक्ट लाइन्स लेट अस सपोज यू वॉस पास द वैल्यू वन 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 अगर यहाँ पर सेलेक्ट लाइन्स के अंदर वन 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 वैल्यू पास करेंगे दैट मीन्स जो मल्टीप्लेक्सर है उसके अंदर वैल्यू क्या सेलेक्ट हुई सेवन सेवन का मतलब है कि हम मेमोरी यूनिट से डेटा को अभी इस ट्रांस बस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं सो डेटा विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट ओके यानी कि अगर हमने यहाँ पर सेलेक्ट लाइन्स के अंदर इफ़ यू आर पासिंग द डेटा इज़ ज़ीरो वन जीरो सेलेक्ट लाइन्स के अंदर हमने ज़ीरो वन जीरो को पास किया है अगर जीरो वन जीरो को पास किया है दैट मीन्स दिस ज़ीरो वन जीरो मीज़ टू टू मीन्स प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो अब इस डेटा बस में फ्लो करेगी मतलब तो बेसिकली यहाँ पर ना जो नंबर लिखा हुआ है ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस नंबर रिप्रेजेंट्स कि सेलेक्ट लाइन्स के अंदर क्या इनपुट देना है सो so दैट जो भी वो रजिस्टर है उसका डेटा बस के अंदर फ्लो करे दैट्स इट अंडरस्टूड तो अगर मैं यहाँ पर जीरो ज़ीरो वन पास करूँगा यानी कि ये जो आपका एड्रेस रजिस्टर है एड्रेस रजिस्टर का जो डेटा है वो इस बस में फ्लो करेगा उसके बाद मैं किसी दूसरे रजिस्टर का लोड इनपुट एनेबल करूँगा ताकि वो जो डेटा है वो उस रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो सके तो इसको हम लोग कल कर डिस्कस करेंगे लेट अस डिस्कस इट टुमारो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा आई होप दैट यू मस्ट हैव एन्जॉय टूडेज़ लेक्चर आज का लेक्चर आपने एन्जॉय किया होगा कल हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक है फिर उसके बाद हम लोग कल कर डिस्कस करेंगे अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को जैसे आपके ऑपरेशन कोड इंस्ट्रक्शन है और यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन को कैसे बना सकते हैं हाउ कैन वी मेक असेंबली कोड इंस्ट्रक्शन फ्राम दिस गिवन एग्जाम्पल और ये सभी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे तो आपके टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल है कंट्रोल यूनिट को कैसे डिजाइन करना है वट एवर कांड ऑफ कंट्रोल यूनिट्स यू कैन हैव यू कैन हैव अ हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट यू कैन हैव अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट वी विल डिस्कस देम टमो और जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स है उसको तो कैसे जनरेट करना है ये सभी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे और फैच्स करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड कैसे करते हैं उस सिस्टम को भी हम चेक करेंगे और फिर ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन है डिटाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कल हाउ कैन यू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन और जैसे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं तो कैसे एग्जीक्यूट होंगे एंड सो ऑन तो जो प्रोग्राम्स हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ प्रजेंटिंग अ प्रोग्राम तो ये जो प्रोग्राम है So, uh, how these programs are converted and so on so this is the standard book for this subject तो जो भी topic मैं पढ़ा रहा हूँ I am top teaching each and every topic every single topic from this book itself जो है आपकी मॉरिस मेनो तो जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर मैं मॉरिस मेनो बुक से ही कवर करवा रहा हूँ ओके let me ओपन द बुक फॉर यू guys also मैं आप सभी के लिए जो बुक है इसको ओपन कर लेता हूँ ठीक है बिकॉज आई कैन शो यू द कॉरिलेशन एवरी सिंगल थिंग जो भी मैंने क्लास में भी कवर की है वट एवर आई एम कवरिंग राइट नाउ आई एम कवरिंग फॉर दिस बुक ठीक है तो आप सभी एक सिंपल गूगल सर्च कर सकते हैं बाय डूइंग सिम्पल गूगल सर्च यू विल बी एबल टू फाइंड द बुक और इस बुक के अंदर दिस इज़ अ चैप्टर और जो चैप्टर है लेट मी शो द चैप्टर ऑल्सो दिस इज द चैप्टर नंबर फाइव तो जो हमारा चैप्टर नंबर फाइव है दिस इज़ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन तो ये मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेइजेशन एंड डिज़ाइन तो यहाँ पर आप जाएंगे दिस इज़ पेज नंबर वन ट्वेंटी थ्री ठीक है और उसके बाद फिर हमारा बेसिक बेसिकम ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के बाद वी हैव माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट इवन योर एड्रेसिंग एड्रेस फॉर्मेट्स जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है चैप्टर नंबर एट दैट इज़ चैप्टर नंबर एट इज़ अबाउट योर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो चैप्टर नंबर एट में यहाँ पर आते हैं सो रेफरिंग डायरेक्टली फ्रॉम दिस बुक इट तो इस बुक के अंदर लेट मी ओपन द चैप्टर ऑल्सो मैं इस बुक का जो चैप्टर है हमारे पास ये चैप्टर ओपन कर लेता हूँ ताकि तो आपको एग्जैक्ट को रिलेशन एग्जैक्ट सेम डाइग्राम्स में यहाँ पर दिखा सकूँ एंड यू विल बी एबल टू गेट इट क्लियरली कि मैं सब कुछ कहाँ से कॉपी करता हूँ सो बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर आई टेल यू माई रेफरेंसिस कि मैंने जो भी चीज़ें ली है किस रेफरेंस से ली है कौन से पेज को कौन सी बुक को कहाँ से मैंने रेफ़रेंस लिया है हर बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है ओके सो दिस इज द चैप्टर नंबर फाइव ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन फ्राम द बुक मॉरिस मैनू एंड इफ यू गो टू दिस चैप्टर तो आपको यहाँ पर जो कंप्यूटर के रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था द प्रीवियस क्लास वट आर द रजिस्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द कंप्यूटर सो एवरी थिंग इज गिवन हयर सो फॉर एग्जाम्पल मिनिड डेटा रजिस्टर मीनिट एड्रेस रजिस्टर बीनड एक्ूमलेटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर टेम्प्रेरी रजिस्टर इनपुट रजिस्टर्स एंड आउटपुट रजिस्टर्स तो वो सभी जो रजिस्टर्स हैं वो यहाँ पर गिवन है

प्लस दिस डायग्राम तो ये जो डायग्राम है इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू द बेसिक कॉम्पोनेट्स ऑफ दिस डायग्राम बट अगेन आज इस डायग्राम को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस डायग्राम एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग प्लीज़ रीड दिस थ्योरी ये जो पूरी थ्योरी है इसको आपको स्टडी करना है एंड देन वी हैव कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हम लोग इस सी पी के लिए बना सकते हैं सो वट आर द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर देयर और हर एक इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है

तो ये सभी जो कंट्रोल्स टाइमिंग सिग्नल्स हैं वो सभी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे एंड दिस इज़ द फेच फेज जब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं वट आर द फेजेस वाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्लो चार्ट एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर तो सब कुछ आप यहाँ से रेफर करेंगे ओके अंडरस्टूड बट एक्चुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है वेन एवर आई एम टीचिंग समथिंग हर एक चीज़ का एक मीनिंग होता है एंड इवन दो आई एम रिप्रजेंटिंग एवरी थिंग विद हेल्प ऑफ दिस प्रजेंटेश लेकिन बेटर ये है कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा इन योर प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू वट आर द बेसिक रजिस्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर ठीक है तो कंप्यूटर सिंपल कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए हमें कौन कौन से रजिस्टर्स की जरूरत है ठीक है कौन कौन से रजिस्टर्स की जरूरत है वे नीड समथिंग कॉल एज ए डेटा रजिस्टर वे नीड समथिंग कॉल एज एड्रेस रजिस्टर विन इट समथिंग कॉल्ड एज एक्ूमुलेटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर टेम्प्रेरी रजिस्टर इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर ठीक है अब देखो यहाँ पर इन सभी का साइज़ जो है वो साइज एक लॉजिक्स की वजह से ये जो साइज़ है वो सभी साइज़ जो है एक लॉजिक से डिसाइड होते हैं जैसे देट मीन शो यू हाउ देखो जो आपकी मेमोरी है द मेमोरी देट यूर यूजिंग कौन सी मेमोरी है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मेन मेमोरी मेन मेमोरी का मतलब क्या है दिस इज प्रेजेंटिंग अ रैम ठीक है अब जो मेन मेमोरी का साइज है दैट इज़ फोर ज़ीरो नाइन सिक्स क्रॉस सिक्सटीन अब इसमें सिक्सटीन क्या है सिक्सटीन इज रिप्रेजेंटिंग योर वर्ड साइज एंड दिस फोर ज़ीरो नाइन सिक्स इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मेमोरी नंबर ऑफ वर्ड्स इन मेमोरी ठीक है बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसिबल तो यहाँ पर जो वर्ड साइज़ है वो 16 बिट का वर्ड साइज़ है और नंबर ऑफ वर्ड्स मेमोरी के अंदर है 4096 ठीक है अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी मेमोरी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ एम रिप्रेजेंटिंग दिस मेमोरी लाइक दिस ओके तो यानी कि हमारे पास कितने सेल होंगे वी आर गोइंग टू हैव टोटल ऑफ फोर सेल और हर एक सेल की कैपेसिटी है वट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑफरी सेल द कैपेसिटी ऑफ एवरी सेल विल बी सिक्सटीन बिट ठीक है सो so, यानी कि अगर हर एक सेल का मतलब नंबर ऑफ सेल अगर आपकी 4096 है यानी कि अगर मैं एक सेल को एड्रेस देने की कोशिश करूंगा तो आपका जो एड्रेस है वो कितने बिट का होगा राइट सो दिस 4096 जीरो नाइन सिक्स कैन रिप्रेजेंटेड एज टू रेस्ट पावर ट्वेल्व तो हमारे पास टू रेस्ट पावर ट्वेल्व सेल्स हैं तो यानी कि एक जो एड्रेस है आपके पास एक सेल का दिस एड्रेस विल बी ऑफ ट्वेल्व बिट्स एक सेल का जो एड्रेस है वो ट्वेल्व बिट्स का होगा ठीक है और हर एक सेल के अंदर तो कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर 16 बिट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं ओके अब देखो हमारे कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं जिन रजिस्टर्स की हमें जरूरत है कौन कौन से रजिस्टर की जरूरत है हमें सबसे पहला है आपका डेटा रजिस्टर अब डेटा का रजिस्टर का काम क्या है कि डेटा रजिस्टर को मेमोरी ऑपरेंड को होल्ड करना है जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास है एक इंस्ट्रक्शन एड जिस आर नॉट ठीक है अगर ये एड आर नाट ये इंस्ट्रक्शन है तो ये जो आर नाट है ये आर नाट क्या है दिस आर नाट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एन एड्रेस आर नॉट एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करा इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ डेटा ठीक है तो डेटा जिसका काम यह है कि वो एक डेटा को होल्ड करेगा इंस्ट्रक्शन में हमारे पास हम एक इंस्ट्रक्शन में एड्रेस को पास करते हैं लेकिन डेटा जिसका काम किया एक डेटा को होल्ड करेगा और डेटा कितने बिट का है हमारे पास एव द इज वर्ड एड्रेसिबल एंड द साइज ऑफ एवरी वर्ड इज सिक्सटीन बिट देर फॉर डेटा रजिस्टर का जो साइज़ है वो सिक्सटीन बिट है वाइट इज सिक्सटीन बिट बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी डेटा रजिस्टर का साइज कैसे डिसाइड हुआ ओके आफ्टर दिस डेटा रजिस्टर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एड्रेस रजिस्टर एड्रेस रजिस्टर का काम क्या है कि जो मेमरी का एक एड्रेस है राइट right? मेमरी में कितने एड्रेस है आपके पास फोर जीरो नाइन सिक्स एड्रेस हैं तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ट्वेल्व बिट्स का यूज़ करेंगे तो जो आपका एड्रेस रजिस्टर है दिस एड्रेस रजिस्टर इज गोइंग टू स्टोर दिस 12 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ये 12 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा ओके okay? जो एड्रेस आपका कितने बिट का है 12 बिट्स का ओके देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एस एक्ूमलेटर एक्यूमलेटर इज़ कंसिडर्ड एज ए प्रोसेसर रजिस्टर कहने का मतलब है कि जब भी आपका जो प्रोसेसर है वेन एवर प्रोसेसर इज गोइंग टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन तो जो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो एक्ूमलेटर के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं ओके सो एक्यूमिलेटर इज ऑल्सो ए रजिस्टर तो कैलकुलेशन का रिजल्ट कहाँ पर स्टोर करेंगे हम लोग एक्यूमिलेटर के अंदर देन वी हैव इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का हम क्या है कि इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शन होगी हमें इस इंस्ट्रक्शन को इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे अब जितनी भी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास हर एक इंस्ट्रक्शन आपकी वन वर्ड साइज की है तो जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी सिक्सटीन बिट की इंस्ट्रक्शन है हमारे बेसिक कंप्यूटर के अंदर ठीक है फिर आता है आपके पास प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर का काम यह है कि अगली इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में, में, में कहाँ पर स्टोर है उस लोकेशन का एड्रेस स्टोर करो तो प्रोग्राम काउंटर आपका होगा यहाँ पर 12 बिट्स का बिकॉज मेमोरी एड्रेस जो है वो 12 बिट्स का है देन वी हैव टेम्प्रेरी रजिस्टर तो टेम्प्रेरी रजिस्टर जो है एक टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है सो विट इज ऑफ सिक्सटीन बिट एंड दिस इज़ इनपुट रजिस्टर इनपुट रजिस्टर जैसे कि हम लोग अगर कोई कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हैं टाइपिंग का करेक्टर वन और इफ एम टाइपिंग अ करेक्टर स्मॉल ए सो वट एवर यू आर टाइपिंग फ्रॉम द कीबोर्ड जो भी इनपुट आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करेगा आउटपुट रजिस्टर मींस यानी कि जो भी आउटपुट यूज़र को देना है यूज़र के आउटपुट को एक आउटपुट रजिस्टर जो है वो उसको होल्ड करेगा ठीक है तो हर एक रजिस्टर का जो साइज़ है वो मैटर करता है साइज अगर मेमोरी का साइज़ चेंज होगा तो रजिस्टर का साइज़ भी चेंज होगा जैसे लेटस अज्यूम कि अगर आपकी मेन मेमोरी जो है वो 4096 क्रॉस 16 नहीं होती अस अज्यूम दैट योर मेन मेमोरी साइज़ इज़ समथिंग लाइक 64k के क्रॉस 32 अगर मेन मेमोरी का साइज़ आपका 64k के क्रॉस 32 होता इसका मतलब क्या था कि आपके पास टू रेस्ट पावर 16 सेल है और एक हर एक सेल का साइज़ है आपके पास थर्टी टू बिट का तो उस केस में आपका जो एड्रेस रजिस्टर है एड्रेस रजिस्टर का साइज होगा 16 बिट और जो आपका डेटा रजिस्टर है डेटा रजिस्टर का साइज़ होगा 32 बिट और जो आपका एक्यूमलेटर है एक्यूमलेटर का साइज होगा 32 बिट जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसको इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना है तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसका साइज़ होगा आपके पास थर्टी बिट करेक्ट ठीक है सो उस तरीके से आपका जो प्रोग्राम काउंटर है प्रोग्राम काउंटर का साइज़ होगा सिक्सटीन बिट करेक्ट और आपका जो टेम्प्रेरी रजिस्टर है टेम्प्रेरी रजिस्टर का साइज होगा थर्टी टू बेड सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ मेमोरी ये जितने भी रजिस्टर्स हैं इन सभी का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा करेक्ट अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डेटा बस है जो कॉमन बस है जिसके अंदर हम सिस्टम बस जिसको हम लोग बोलते हैं वी कॉल इट एज अ सिस्टम बस तो सिस्टम बस के अंदर तीन तरह की बसेज आती हैं द फर्स्ट काइंड ऑफ बस दैट वी हैव

जो आपका एड्रेस है योर एड्रेस ऑफ द मेमोरी विल बी ऑफ 12 बिट्स करेक्ट तो यानी कि ये जो डेटा बस है डेटा बस को कितना डेटा कैरी करना है 16 बिट का है ना डेटा बस को कितना डेटा कैरी करना है 16 बिट का और जो एड्रेस बस है एड्रेस बस को कितना डेटा कैरी करना है हमारे पास ट्वेल्व बिट्स का ठीक है इतना क्लियर है सभी के साथ और जो कंट्रोल बस है वो तो कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करेगा अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपके जो प्रोसेसरस हैं जैसे आपका 8085 प्रोसेसर है तो 8085 प्रोसेसर के अंदर हम टाइम मल्टीप्लेक्स पिन का यूज़ करते हैं यू रिमेंबर इट टाइम मल्टीप्लेक्स पिन यानी कि ऐसी पिन जिनकी फंक्शनैलिटी हम थर्ड पिन के साथ डिसाइड कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन हैव वन लाइन राइट एट टाइम दिस लाइन कैन एक्ट एज एज ए एड्रेस लाइन यानी कि एड्रेस को कैरी करेगी और किसी टाइम पर हम एक पिन से डिसाइड करेंगे कि ये जो लाइन है ये डेटा कैरी करेगी या फिर एड्रेस कैरी करेगी करेक्ट मैंने आपको कुछ ऐसा एक डायग्राम दिखाया था इन डायग्राम आई हैव शोन यू कि हमारे पास एक मेमोरी यहाँ पर होती है वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ए माइक्रो प्रोसेसर और यहाँ पर हमारे पास एक होता है यहाँ पर लैच राइट right? तो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो लाइंस हैं वी कैन हैव सम लाइंस विच इज़ लाइक ए डी जीरो ए डी वन ए डी टू अप टू सो ऑन वी कैन हैव ए डी ट्वेल्व एंड देन वी हैव डी 13, डी 14 एंड समथिंग लाइक दिस राइट तो यहाँ पर ये यह जो ए डी जहाँ पर लिखा हुआ है ए डी का मतलब है कि टाइम मल्टीप्लेक्स लाइन्स है ये एड्रेस भी कैरी कर सकती है और डेटा भी कैरी कर सकती है तो अगर हमारे पास मेमोरी 4096 क्रॉस 16 बिट की है तो उस केस में हमारे पास जो एड्रेस लाइन्स होंगी कितनी एड्रेस लाइन होंगी वी नीड टोटल ऑफ एड्रेस एंड हाउ मच डेटा लाइन्स आर नीडेड डेटा लाइन्स आर सिक्सटीन यानी कि अगर आपके टाइम मल्टीप्लेक्स पिन है तो टाइम मल्टीप्लेक्स पिन से ट्वेल्व ऐसी लाइन्स होंगी जो कि डेटा और एड्रेस दोनों कैरी कर सकती हैं और फोर ऐसी लाइन्स होंगी जो सिर्फ डेटा को कैरी करेगी ठीक है यानी कि जिस समय पर ये लाइन्स जो है वो एड्रेस को कैरी कर रही है उस समय पर ये डेटा लाइन्स के अंदर वैल्यू हम पास करेंगे ज़ीरो ठीक है सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड बुक फॉर दिस सब्जेक्ट तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टॉप टीचिंग ईच एंड एवरी टॉपिक एवरी सिंगल टॉपिक फ्रॉम दिस बुक इट्सल्फ जो है आपकी मॉरिस मेनो तो जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर मैं मॉरिस मेनो बुक से ही कवर करवा रहा हूँ ओके दैट वी ओपन द बुक फॉर यू गाइज ऑल्सो मैं आप सभी के लिए जो बुक है इसको ओपन कर लेता हूँ ठीक है बिकॉज आई कैन शो यू द कॉ रिलेशन एवरी सिंगल थिंग जो भी मैंने क्लास में भी कवर की है वट एवर आई एम कवरिंग राइट नाउ आई एम कवरिंग फॉर दिस बुक ठीक है तो आप सभी एक सिंपल गूगल सर्च कर सकते हैं बाय डूइंग अ सिंपल गूगल सर्च यू विल बी एबल टू फाइंड द बुक और इस बुक के अंदर दिस इज अ चैप्टर और जो चैप्टर है लेट मी शो यू द चैप्टर ऑल्सो सही दिस इज द चैप्टर नंबर फाइव तो जो हमारा चैप्टर नंबर फाइव है दिस इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गनाइजेशन एंड डिज़ाइन तो ये मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ बेसी कंप्यूटर ऑर्गनाइजेशन एंड डिज़ाइन तो यहाँ पर आप जाएंगे दिस इज पेज नंबर वन ट्वेंटी थ्री ठीक है और उसके बाद फिर हमारा बेसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के बाद वी address है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इवन योर एड्रेसिंग एड्रेस फॉर्मेट्स जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है चैप्टर नंबर एट दैट इज़ चैप्टर नंबर एट इज़ अबाउट योर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो चैप्टर नंबर एट में यहाँ पर आते हैं सो एम रेफरिंग डायरेक्टली फ्राम दिस बुक इट्स तो इस बुक के अंदर लेट मी ओपन द चैप्टर ऑल्सो मैं इस बुक का जो चैप्टर है हमारे पास ये चैप्टर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट को रिलेशन एग्जैक्ट सेम डग्राम्स में यहाँ पर दिखा सकूँ एंड यू विल बी एबल टू गेट इट क्लियरली कि मैं सब कुछ कहाँ से कॉपी करता हूँ सो बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर आई टीच टेल यू माई रेफरेंसिस कि मैंने जो भी चीज़ें ली है किस रेफरेंस से ली है कौन से पेज को कौन सी बुक को कहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है हर बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है ओके सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर फाइव ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन फ्रॉम द बुक मॉरिस मैनो, एंड इफ़ यू गो टू दिस चैप्टर तो आपको यहाँ पर जो कंप्यूटर के रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था द प्रीवियस क्लास वट आर द रजिस्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द कंप्यूटर सो एवरीथिंग इज़ गिवन ही सो फॉर एग्जाम्पल वी नीड अ डेटा रजिस्टर वी नीड एड्रेस रजिस्टर वी नीड एक्क्यूमिलेटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर टेम्प्रेरी रजिस्टर इनपुट रजिस्टर्स एंड आउटपुट रजिस्टर्स तो वो सभी जो रजिस्टर्स है वो यहाँ पर गिवन है एंड पार्ट ऑफ दिस इट इज ऑल्सो गिवन दैट वट इज़ द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दिस रजिस्टर्स ये सभी रजिस्टर्स की फंक्शनिंग क्या है वो सभी यहाँ पर गिवन है सो आफ्टर माई क्लास प्लीज़ गो टू दिस बुक एंड प्लीज़ रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द बुक जो भी हमने कल भी क्लास की थी इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई मीन डे बिफोर येस्टरडे वी हैव डन द क्लास

ये जो पूरी थ्योरी है इसको आपको स्टडी करना है एंड देन वी हैव कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हम लोग इस सी uh, के लिए बना सकते हैं सो आर द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर देयर और हर एक इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है सो वी हैव सी एल ए सी एल ई सी एम ए सी एम ई एंड सो ऑन तो इंक्रीमेंट एक्यूमलेटर तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर गिवन है एंड यू कैन ऑल्सो रेफर इट हीयर ठीक है और द नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रक्शन सेट एट कम्प्लीटनेसो यू कैन आल्सो रेफर और जो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल डायग्राम है दैट इज द यू नो डिज़ाइनिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट कि हम लोग कंट्रोल यूनिट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं देर इज ऑल्सो गिवन हयर एंड दिस कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल्स तो ये सभी जो कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल्स हैं वो सभी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे एंड दिस इज़ द फेच फेज जब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं वट आर द फेजिज वाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्लो चार्ट एन एवरीथिंग इज़ गिवन ईयर तो सब कुछ आप यहाँ से रेफर करेंगे ओके अंडरस्टुड बट एक्चुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है वेन एवर आई एम टीचिंग समथिंग हर एक चीज़ का एक मीनिंग होता है एंड इवन दो आई एम रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग विद हेल्प ऑफ दिस प्रजेंटेशंस लेकिन बेटर यह है कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा इन योर प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू वट आर द बेसिक रजिस्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर ठीक है तो कंप्यूटर एक सिंपल कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए हमें कौन कौन से रजिस्टर्स की जरूरत है ठीक है कौन कौन से रजिस्टर्स की जरूरत है वे नीड समथिंग कॉल एज ए डेटा रजिस्टर वे नीड समथिंग कॉल एज एड्रेस रजिस्टर we need समथिंग कॉल्ड as accumulator इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर temporary रजिस्टर इनपुट रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर ठीक है अब देखो यहाँ पर इन सभी का साइज जो है वो साइज़ एक लॉजिक्स की वजह से ये जो साइज़ है वो सभी साइज़ जो है एक लॉजिक से डिसाइड होते हैं जैसे देट मीन शो यू हाउ देखो जो आपकी मेमोरी है द मेमोरी देट वी आर यूजिंग है कौन सी मेमोरी है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मेन मेमोरी मेन मेमोरी का मतलब क्या है दिस इज प्रेजेंटिंग अ रैम ठीक है अब जो मेन मेमोरी का साइज है दैट इज फोर जीरो नाइन सिक्स क्रॉस सिक्सटीन अब इसमें सिक्सटीन क्या है सिक्सटीन इज रिप्रेजेंटिंग योर वर्ड साइज एंड दिस फोर जीरो नाइन सिक्स इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मेमोरी नंबर ऑफ वर्ड्स इन मेमोरी ठीक है बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसिबल तो यहाँ पर जो वर्ड साइज़ है वो सिक्सटीन बिट का वर्ड साइज़ है और नंबर ऑफ वर्ड्स मेमोरी के अंदर है फोर ज़ीरो नाइन सिक्स ठीक है अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी मेमोरी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ एम रिप्रेजेंटिंग दिस मेमोरी लाइक दिस ओके तो यानी कि हमारे पास कितने सेल होंगे वी आर गोइंग टू हैव टोटल ऑफ फोर जीरो नाइन सिक्स सेल और हर एक सेल की कैपेसिटी है वट इज द कैपेसिटी ऑफ एवरी सेल द कैपेसिटी ऑफ एवरी सेल विल बी सिक्सटीन बिट ठीक है so, सो यानी कि अगर हर एक सेल का मतलब नंबर ऑफ सेल अगर आपके 4096 है यानी कि अगर मैं एक सेल को एड्रेस देने की कोशिश करूँगा तो आपका जो एड्रेस है वो कितने बिट का होगा राइट सो दिस 4096 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बीप्रजेंटेड एज टू पावर 12 तो हमारे पास टू रेस्ट पावर 12 सेल्स हैं तो यानी कि एक जो एड्रेस है आपके पास एक सेल का दिस एड्रेस विल बी ऑफ ट्वेल्व बिट्स एक सेल का जो एड्रेस है वो ट्वेल्व बिट्स का होगा ठीक है और हर एक सेल के अंदर कितनी इन्फॉमेशन हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर सिक्सटीन बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं ओके अब देखो हमारे कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं जिन रजिस्टर्स की हमें ज़रूरत है कौन कौन से रजिस्टर की जरूरत है हमें सबसे पहला है आपका डेटा रजिस्टर अब डेटा रजिस्टर का काम क्या है कि डेटा रजिस्टर को मेमोरी ऑपरेंड को होल्ड करना है जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास है एक इंस्ट्रक्शन एड uh, जिस आर नॉट ठीक है अगर ये एड आर नॉट ये इंस्ट्रक्शन है तो ये जो आर नॉट है ये आर नॉट क्या है दिस आर नॉट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एन एड्रेस आर नॉट एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करा इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ डेटा ठीक है तो डेटा जिसका काम यह है कि वो एक डेटा को होल्ड करेगा इंस्ट्रक्शन में हमारे पास हम एक इंस्ट्रक्शन में एड्रेस को पास करते हैं लेकिन डेटा जिसका काम क्या है कि डेटा को होल्ड करेगा और डेटा कितने बिट का है हमारे पास एव द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसिबल एंड द साइज ऑफ एवरी वर्ड इज सिक्सटीन बिट देर फॉर डेटा रजिस्टर का जो साइज है वो सिक्सटीन बिट है वाइट इज सिक्सटीन बिट बिकॉज ऑफ दिस मेमरी अंडरस्टूड कि डेटा रजिस्टर का साइज कैसे डिसाइड हुआ ओके आफ्टर दिस डेटा रजिस्टर वी हैव समथिंग कॉल एज एड्रेस रजिस्टर एड्रेस रजिस्टर काम क्या है कि जो मेमरी का एक एड्रेस है राइट right? मेमरी में कितने एड्रेस है आपके पास फोर जीरो नाइन सिक्स एड्रेस हैं तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ट्वेल्व बट्स का यूज़ करेंगे तो जो आपका एड्रेस रजिस्टर है दिस एड्रेस रजिस्टर इज गोइंग टू स्टोर दिस ट्वेल्व बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ये ट्वेल्व बिट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा ओके okay? जो एड्रेस आपका कितने बिट का है ट्वेल्थ बिट्स का ओके देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एस एक्ूमलेटर एक्यूमलेटर इज़ कंसिडर्ड एज ए प्रोसेसर रजिस्टर कहने का मतलब है कि जब भी आपका जो प्रोसेसर है वेन एवर प्रोसेसर इज़ गोइंग टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन तो जो कैलकुलेशंस का रिजल्ट है वो एक्ूमलेटर के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं ओके सो एक्यूमिलेटर इज ऑल्सो रजिस्टर तो कैलकुलेशन का रिजिलेट कहाँ पर स्टोर करेंगे हम लोग एक्यूमिलेटर के अंदर देन वी हैव इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या है कि इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शन होगी हमें इस इंस्ट्रक्शन को इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे अब जितनी भी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास हर एक इंस्ट्रक्शन आपकी वन वर्ड साइज की है तो जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी सिक्सटीन बिट की इंस्ट्रक्शन है हमारे बेसिक कंप्यूटर के अंदर ठीक है फिर आता है आपके पास प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर का काम यह है कि अगली इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है उस लोकेशन का एड्रेस स्टोर करो तो प्रोग्राम काउंटर आपका होगा यहाँ पर ट्वेल्व बिट्स का बिकॉज मेमोरी एड्रेस जो है वो ट्वेल्व बिट्स का है देन वी हैव टेम्प्रेरी रजिस्टर तो टेम्प्रेरी रजिस्टर जो है एक टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है सो विट इज़ ऑफ सिक्सटीन बिट एंड दिस इज़ इनपुट रजिस्टर इनपुट रजिस्टर जैसे कि हम लोग अगर कोई कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हैं टाइपिंग का कैरेक्टर वन और इफ एम टाइपिंग अ करेक्टर स्मॉल ए सो वट एवर करेक्टर यूर टाइपिंग फ्राम द की बोर्ड जो भी इनपुट आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करेगा आउटपुट रजिस्टर मीन्स यानि कि जो भी आउटपुट यूज़र को देना है यूज़र के आउटपुट को एक आउटपुट रजिस्टर जो है वो उसको होल्ड करेगा ठीक है तो हर एक रजिस्टर का जो साइज़ है वो मैटर करता है साइज़ अगर मेमोरी का साइज चेंज होगा तो रजिस्टर का साइज़ भी चेंज होगा जैसे अस अज्यूम कि अगर आपकी मेन मेमोरी जो है वो 4096 क्रॉस 16 नहीं होती अस अज्यूम दैट योर मेन मेन मेमोरी साइज़ इज़ समथिंग लाइक 64k के क्रॉस 32 अगर मेन मेमोरी का साइज़ आपका 64k क्रॉस 32 होता है इसका मतलब क्या था कि आपके पास टू रेस्ट पावर 16 सेल है और एक हर एक सेल का साइज़ है आपके पास 32 बिट का तो उस केस में आपका जो एड्रेस रजिस्टर है एड्रेस रजिस्टर का साइज़ होगा सिक्सटीन बिट और जो आपका डेटा रजिस्टर है डेटा रजिस्टर का साइज़ होगा थर्टी टू बिट और जो आपका एक्यूमलेटर है एक्यूमलेटर का साइज़ होगा थर्टी टू बिट जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसको इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना है तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसका साइज़ होगा आपके पास थर्टी टू बिट करेक्ट ठीक है सो उस तरीके से आपका जो प्रोग्राम काउंटर है प्रोग्राम काउंटर का साइज़ होगा 16 बिट करेक्ट और आपका जो टेम्प्रेरी रजिस्टर है टेम्प्रेरी रजिस्टर का साइज़ होगा 32 टू बेड सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ मेमरी ये जितने भी रजिस्टर्स हैं इन सभी का जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा करेक्ट अब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डेटा बस है जो कॉमन बस है जिसके अंदर हम सिस्टम बस जिसको हम लोग बोलते हैं वी कॉल इट एज अ सिस्टम बस तो सिस्टम बस के अंदर तीन तरह की बसेज आती हैं द फर्स्ट काइंड ऑफ बस दैट वी हैव इज़ योर डेटा बस द सेकेंड बस दैट वी यूज़ इज़ योर एड्रेस बस एंड द थर्ड बस दैट वी यूज इज़ योर कंट्रोल बस पहला है आपका डेटा बस दूसरा है एड्रेस बस और तीसरा है कंट्रोल बस ना इफाई से कि हमारी जो मेमरी है सिस्टम के अंदर द मेमोरी साइज द मेमोरी साइज इज़ योर फोर जीरो नाइन सिक्स क्रॉस सिक्सटीन बिट यह आपकी मेमोरी का साइज है तो यानी कि जो आपका एड्रेस है योर एड्रेस ऑफ द मेमोरी विल बी ऑफ 12 बिट्स करेक्ट तो यानी कि ये जो डेटा बस है डेटा बस को कितना डेटा कैरी करना है 16 बिट का है ना डेटा बस को कितना डेटा कैरी करना है 16 बिट का और जो एड्रेस बस है एड्रेस बस को कितना डेटा कैरी करना है हमारे पास ट्वेल्व बिट्स का ठीक है इतना क्लियर है सभी के साथ और जो कंट्रोल बस है वो तो कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करेगा अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपके जो प्रोसेसरस हैं जैसे आपका 8085 प्रोसेसर है तो 8085 प्रोसेसर के अंदर हम टाइम मल्टीप्लेक्स पिन का यूज़ करते हैं डू यू रिमेंबर इट टाइम मल्टीप्लेक्स पिन यानी कि ऐसी पिन जिनकी फंक्शनैलिटी हम थर्ड पिन के साथ डिसाइड कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन हैव वन लाइन राइट एट टाइम दिस लाइन कैन एक्ट एज एज एड्रेस लाइन यानी कि एड्रेस को कैरी करेगी और किसी टाइम पर हम एक पिन से डिसाइड करेंगे कि ये जो लाइन है ये डेटा कैरी करेगी या फिर एड्रेस कैरी करेगी करेक्ट मैंने आपको कुछ ऐसा एक डायग्राम दिखाया था इन डायग्राम आई हैव शोन यू कि हमारे पास एक मेमोरी यहाँ पर होती है वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर और यहाँ पर हमारे पास एक होता है यहाँ पर लैच राइट right? तो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो लाइंस है वी कैन हैव सम लाइंस विच इज़ लाइक ए डी ज़ीरो ए डी वन ए डी टू अप टू सो ऑन वी कैन हैव ए डी ट्वेल्व एंड देन वी हैव डी थर्टीन डी फोर्टीन एंड समथिंग लाइक दिस राइट तो यहाँ पर ये यह जो ए डी जहाँ पर लिखा हुआ है ए डी का मतलब है कि टाइम मल्टीप्लेक्स लाइन्स है ये एड्रेस भी कैरी कर सकती है और डेटा भी कैरी कर सकती है तो अगर हमारे पास मेमरी फोर ज़ीरो नाइन सिक्स क्रॉस सिक्सटीन बिट की है तो उस केस में हमारे पास जो एड्रेस लाइन्स होंगी कितनी एड्रेस लाइन होंगी वी नीड टोटल ऑफ ट्वेल्व एड्रेस लाइन्स एंड हाउ मैनी डेटा लाइन्स आर नीडेड डेटा लाइन्स आर सिक्सटीन यानी कि अगर आपके टाइम मल्टीप्लेक्स पिन है तो टाइम मल्टीप्लेक्स पेम से ट्वेल्व ऐसी लाइन्स होंगी जो कि डेटा और एड्रेस दोनों कैरी कर सकती हैं और फोर ऐसी लाइन्स होंगी जो सिर्फ डेटा को कैरी करेगी ठीक है ले यानी कि जिस समय पर ये लाइन्स जो है वो एड्रेस को कैरी कर रही है उस समय पर ये डेटा लाइन्स के अंदर वैल्यू हम पास करेंगे ज़ीरो ठीक है सो so जो आपकी सिस्टम बस है सो दिस सिस्टम बस इज़ क्रिएटेड यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स ये आपकी सिस्टम बस जो है वो मल्टीप्लेक्सर से हम लोग इसको बना सकते हैं ओके तो ये जो सिस्टम बस है इन दिस सिस्टम बस वी हैव थ्री सेलेक्ट लाइंस तीन सेलेक्ट लाइंस है आपके पास सिस्टम बस के अंदर ठीक है अब तीन सेलेक्ट लाइन है बिकॉज वी हैव अ थ्री सेलेक्ट लाइन इन अ मल्टीप्लेक्सर दैट मीन्स मल्टीप्लेक्सर शुड बी अ सेवन क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर राइट सो इफ यू रिमेंबर इट तो मल्टीप्लेक्सर क्या है आपके पास इफ यू हैव थ्री सेलेक्ट लाइन्स देन वी विल बी हैविंग टोटल एट इनपुट लाइन्स राइट सो दिज आर एट लाइन्स एंड वी आर गोइंग टू हैव वन आउटपुट लाइन्स सो इट इज़ एट क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर एंड दिज आर द सेलेक्ट लाइन्स सो हियर द सेलेक्ट लाइंस एस s0 s1 वन एंड एस टू तो अगर हम तीनों में 0 जीरो ज़ीरो पास करेंगे दैट मीन्स दिस इनपुट विल भी सेलेक्टेड एज एन आउटपुट अगर यहाँ पर जीरो जीरो वन पास करेंगे दैट मीन्स दिस इनपुट विल बी सिलेक्टेड एज ए आउटपुट हियर अब हमने क्या किया कि अस अज्यूम कि हमें कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करना है इस पूरे सर्किट के अंदर सोलेटस so, रिज्यूम कि हमारे पास मेमोरी के अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट है ठीक है जैसे जैसे मैंने आपको देखो आई टोल्ड यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रीवियस क्लास जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं देन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन यू हैव थ्री स्टेज ठीक है तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल इंस्ट्रक्शन साइकिल सो इंस्ट्रक्शन साइकिल में यू हैव थ्री फेजेज द फर्स्ट फेज इस रिप्रजेंटिंग योर फैच स्टेज जहाँ पर हम फैच करते हैं ओके सेकेंड स्टेज विल बी योर डिकोड स्टेज जहाँ हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं एंड द थर्ड स्टेज विल बी योर एग्जीक्यूट स्टेज जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं सो यू हैव फैच साइकिल यू हैव डिकोड साइकिल एंड यू हैव एग्जीक्यूशन साइकिल करेक्ट अब ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो दैट इज़ वाई आई फील लाइक कि हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है बट अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम फेच साइकिल में क्या क्या करते हैं ओके सो वी हैव फेच साइकिल सो आर द स्टेप्स वी टेक इन फेच साइकिल तो फेच साइकिल पे हम जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो हमारे स्टेप्स क्या क्या होते हैं लेट मी राइट द स्टेप्स सो स्टेप नंबर वन इज़ एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर इज कॉपीड टू एड्रेस रजिस्टर सबसे पहला स्टेप था हमारे पास कि जो प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है उसको हम एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे सेकंड स्टेप था कि जो आपका प्रोग्राम काउंटर है इट इज़ इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ठीक है देन योर थर्ड स्टेप इज जो आपकी इंस्ट्रक्शन है ठीक है सो वी हैव टू फाइंड द इंस्ट्रक्शन इन द मेमरी यूनिट राइट सो दैट इज इंस्ट्रक्शन फाउंड एट एड्रेस डिस्क्राइब्ड बाय

अब देखो यहाँ पर पूरे डायग्राम में प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर प्रेजेंट है सो दिस इज योर प्रोग्राम काउंटर करेक्ट एंड दिस इज़ योर एड्रेस रजिस्टर एक प्रोग्राम काउंटर है एक एड्रेस रजिस्टर है अब प्रोग्राम काउंटर के अगेंस्ट यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी है द वैल्यू रिटर्न इज टू इसका मतलब है कि ये जो आपकी सेलेक्ट लाइन है बस के अंदर इन दिस सेलेक्ट लाइन वी हैव टू पास अ वैल्यू टू और हमें इस एड्रेस रजिस्टर की ये जो लोड वैल्यू है वी हैव टू सेट द लोड वैल्यू एज़ वन देखो हर एक रजिस्टर के अंदर यू कैन सी इन एवरी रजिस्टर यू हैव थ्री कंट्रोल सिग्नल्स हर एक रजिस्टर के अंदर तीन कंट्रोल सिग्नल है सबसे पहला कंट्रोल सिग्नल है लोड सेकेंड कंट्रोल सिग्नल इज़ इंक्रीमेंट एंड द थर्ड कंट्रोल सिग्नल इज़ क्लियर लोड इंक्रीमेंट एंड क्लियर अब लोड का काम यह है कि यहाँ पर देखो हर एक रजिस्टर के अंदर वी कैन कॉपी द डेटा करेक्ट अब अगर मैं लोड के अंदर सेट करूँगा वन

एंड देन वेन कैन यू से वेन आई कैन से इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का मतलब है जो भी इसके अंदर कॉन्टेंट है उसको आप एक वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट कर दीजिए दिस इज हाउ यू कैन सी इन एवरी रजिस्टर दीज आर द स्टेप्स दैट वी कैन परफॉर्म अब यहाँ पर अगर आप इस ध्यान देखेंगे जो जो आपका फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट स्टेप इज एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर इज कॉपी टू द एड्रेस रजिस्टर यानी कि जो आपकी सेलेक्ट लाइन्स है इन दीज सेलेक्ट लाइन्स वी हैव टू पास अ वैल्यू विच इज़ ज़ीरो वन ज़ीरो अगर आप यहाँ पर जीरो वन जीरो को पास करेंगे दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग ए वैल्यू टू तो यानी कि जो प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू है दिस वैल्यू विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस एंटायर यू नो इन दिस एंटायर बस जो प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू है वो बस के अंदर फ्लो करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव द वैल्यू टू इन द सेलेक्ट लाइन्स ऑफ द बस एंड देन आई हैव टू मेक दिस लोड सिग्नल इन द एड्रेस रजिस्टर एज वन अगर एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू लोड सिग्नल को मैं यहाँ पर वन सेट करूंगा तो क्या होगा कि जो भी डेटा इस लाइन के अंदर फ्लो कर रहा है दैट डेटा कैन बी कॉपी टू दिस एड्रेस रजिस्टर और वो जो वैल्यू है वो प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर के पास पास हो जाएगी दैट कैन बी पास टू द एड्रेस रजिस्टर फ्राम द प्रोग्राम काउंटर ओके अंडरस्टूड सो फर्स्ट स्टेप इज़ डन सेकेंड स्टेप इज प्रोग्राम काउंटर इज़ इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें प्रोग्राम काउंटर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन uh, के लिए पॉइंट करना है बट एक्चुअली ये जो इंक्रीमेंट सिग्नल है दैट इज गिवन इन दिस डाइग्राम इट शुड नॉट बी अ करेक्ट वन ये ठीक नहीं होना चाहिए लेट मी ऑल्सो चेक इन द बुक मैं इसको बुक में भी चेकआउट कर देता हूँ बिकॉज दिस शुड नॉट बी द करेक्ट वन बिकॉज जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है समटाइम्स जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं दे आर नाट इंक्रीमेंटेड नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस का जो नेक्स्ट एड्रेस है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू नो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है द साइज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ठीक है लेट मी एक्सप्लेन ठीक है यहाँ पर भी है सो आई थिंक इट इज़ देयर बट एनी वेज लीव इट तो यहाँ पर जो ये इंक्रीमेंट वैल्यू है दिस इंक्रीमेंट वैल्यू इज़ नॉट अ करेक्ट वन यहाँ पर ये इंक्रीमेंट का इसका कोई लॉजिक बनता है नहीं है बाय द वे ऐसा क्यों है क्योंकि प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि अगर आप सी पी यू में इस समय पर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं दैन वट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट शुड भी स्टोड बाई द प्रोग्राम काउंटर अब काफी बार ऐसी इंस्ट्रक्शंस हो सकती है विच कैन बी ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो कि आपको किसी और लोकेशन पर जम्प कर रही है राइट right? तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर सो बगेन देट कन ओनली बी डन आफ्टर यू डिकोड द इंस्ट्रक्शन कई बार क्या होता है किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर यू हैव लाइक इफ यू हैव अ इंस्ट्रक्शन विच इज जम्प इफ नॉट जीरो राइट जे एंड जेड इंस्ट्रक्शन इज देयर तो जे एन जेड का मतलब है कि जो आपकी इवेलुएशन का रिजल्ट अगर जीरो नहीं है तब आप जंप करो राइट right? तो यहाँ पर जब तक आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड नहीं करेंगे तब तक तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर आपको जंप करना है अदरवाइज़ आप प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को नॉर्मली यहाँ पर इंक्रीमेंट कर सकते हो सो so, कुछ टाइम पर कई बार ऐसा हो सकता है कि द वैल्यू ऑफ़ द प्रोग्राम काउंटर इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर भी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू डिपेंडेंट हो सकती है ओके okay. अब यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले एड्रेस को हमने प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को हमने एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी कर लिया और उसके बाद हमने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया दीज आर द टू स्टेप्स थर्ड स्टेप इज द इंस्ट्रक्शन फाउंड एट द एड्रेस डिस्क्राइब्ड बाय द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज कॉपीड टू द मेमरी डेटा रजिस्टर अब देखो ये जो ए लिखा हुआ है दिस इज एड्रेस रजिस्टर और ये एड्रेस किसका होगा दिस इज द मेमरी एड्रेस सो दैट इज वाई वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए मेमरी एड्रेस रजिस्टर और एम ए आर तो इन मैनी बुक्स दे कैन यूज़ द वर्ड एम ए आर और काफ़ी बुक्स में यहाँ पर सिर्फ ए आर ही लिखा हो सकता है ए आर मीन्स एड्रेस रजिस्टर एम ए आर मेंस मेमरी एड्रेस रजिस्टर बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर सेम उसी तरीके से आपके पास डी आर मीन्स डेटा रजिस्टर एम डी आर मेंस मेमरी डेटा रजिस्टर ये दोनों चीज़ें सेम है अब हमने क्या किया कि हमारे पास एड्रेस रजिस्टर में जो भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है आई I मीन mean, जो भी एड्रेस अवेलेबल है हमें उस एड्रेस से डेटा को निकालना है तो ये जो एड्रेस है आप देख सकते हो यहाँ से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से ये जो एड्रेस है हम इस एड्रेस से जो मेमोरी यूनिट है वहाँ पर कुछ लाइंस को यानी कि कहो कि कुछ मेमोरी लोकेशंस को हम इस एड्रेस रजिस्टर की हेल्प से एक्टिवेट कर रहे हैं सो आफ्टर एक्टिवेटिंग दोज लोकेशंस अब वो जो लोकेशन का जो डेटा है वो यहाँ पर बस पे ट्रैवल किया जा सकता है और बस में वैल्यू क्या लिखी है सेवन सेवन मीन्स हम यहाँ पर जो सेलेक्ट लाइन्स है इन दी सेलेक्ट लाइन्स वी आर गोइंग टू पास अ वैल्यू वन 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 का मतलब है कि जो भी डेटा अब यहाँ पर था वो सारा डेटा इस पूरी लाइन के अंदर ऐसे फ्लो करेगा इस पूरी बस के अंदर दैट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस राइट अब देखो डिफरेंस क्या हुआ व्हाट वाज़ द डिफरेंस डिफरेंस वाज़ कि पहले हमने सेम बस में से हमने क्या पास किया था एड्रेस अब हम सेम बस में से डेटा को भी पास कर रहे हैं ठीक है क्लियर हुआ इतना लिटल कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको थोड़ा फोकस करके समझना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स नए हैं जो अभी बीटेक में कर रहे हैं जो कर चुके हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली उनको ईजी समझ में आएगा बट जो इस समय पर आपकी बी में है जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी समझने में तो थोड़ा फोकस जरूर कीजिएगा फोकस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस एक लाइन मिस करोगे सब कुछ मिस हो जाएगा अब देखो यहाँ पर जो आपके पास एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस था दैट एड्रेस हॉज ऑफ़ 12 बिट्स ठीक है आपके पास टोटल ये लाइन कितने बिट्स की है ये कॉमन बस कितने बिट्स की आपके पास 16 बिट की कॉमन बस है तो 16 बिट की कॉमन बस का मतलब है कुछ ऐसा आप सिक्सटीन बिट ऐसा पास कर सकते हैं ज़ीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन ज़ीरो जीरो वन जीरो जीरो ज़ीरो राइट तो ये आपके पास कितनी बिट होगी टोटल सिक्सटीन बिट्स दीज आर टोटल ऑफ सिक्सटीन बिट्स ठीक है अब ये लाइन कितना डेटा कैरी कर सकती है सिक्सटीन बिट्स राइट right? बट जो एड्रेस रजिस्टर है एड्रेस कैन ओनली बी ऑफ ट्वेल्व बिट्स एड्रेस सिर्फ बारह बिट का ही हो सकता है बिकॉज योर मेमरी विल बी हैविंग फोर जीरो नाइन सिक्स सेल तो अगर आपका एड्रेस बारह बिट का है यानी कि जो लास्ट ऑक्टेट है यहाँ पर आई मीन लास्ट जो आपकी फोर निब्बल हैं इन दीज फोर निबल्स वी आर गोइंग टू पास ए वैल्यू जीरो लास्ट की फोर निबल्स में हम वैल्यू जीरो को पास करेंगे ओके एंड दिस एंटायर इज़ रिप्रजेंटिंग एड्रेस करेक्ट तो जब भी हम एड्रेस प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एड्रेस रजिस्टर के अंदर जब हमने प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस रजिस्टर के अंदर एड्रेस को ट्रांसफ़र किया इन दैट केस दीज फर्स्ट फोर बिट्स आर गोइंग टू बी जीरो एंड देन लास्ट ट्वेल्व बिट्स ये जितने भी आपकी ट्वेल्व बिट्स हैं दीज ट्वेल्व बिट्स आर गोइंग टू कैरी द एड्रेस ये ट्वेल्व बिट्स जो है ये एड्रेस को कैरी करेगी ओके आई होप इट इज़ क्लियर ठीक है यानी कि जब ये आपके पास ये जो आपकी सिस्टम बस है जिस समय पर सिस्टम बस एड्रेस को कैरी कर रही है तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट फोर बिट्स आपकी होंगी जीरो और द लीस्ट सिग्निफिकेंट ट्वेल्व बिट्स होंगी जो एड्रेस कैरी करेगी एंड व्हेन द सेम बस इज गोइंग टू कैरी द डेटा जिस समय पर सेम बस डेटा को कैरी करेगी उस समय पर इन दैट केस ऑल द दिक्सटीन बिट्स आर गोइंग टू रिप्रजेंट द डेटा ठीक है अब हमने क्या किया बिकॉज ऑफ दिस एड्रेस रजिस्टर वी हैव एक्टिवेटेड अ फ्यू एड्रेस फ्यू सेल्स इन द मेमरी और उस सेल से हमने जो डेटा को बस के अंदर ट्रांसफ़र किया तो बस जो है वो डेटा को यहाँ पर कैरी कर रही है सो so, बस इज़ करंटली कैरिंग द डेटा अब उसके बाद ये जो लोड यूनिट है द लोड इनपुट ऑफ द डेटा रजिस्टर हम इस लोड इनपुट को एक्टिवेट करेंगे और जो भी यहाँ पर डेटा था वो सभी डेटा डेटा रजिस्टर के अंदर जाके कॉपी हो जाएगा द एंटायर डेटा विल बी कॉपीड इन द डेटा रजिस्टर आई होप इट इज़ क्लियर ठीक है राइट तो इंस्ट्रक्शन फाउंड एट द एड्रेस डिस्क्राइब बाय द एड्रेस रजिस्टर इज कॉपीड द टू द डेटा रजिस्टर ओके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी डेटा रजिस्टर इज कॉपीड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तो ये जो आपके पास मेमोरी डेटा रजिस्टर है डेटा रजिस्टर यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है अब इसको हमें किसके अंदर कॉपी करना है वी हैव टू कॉपी दीज इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ठीक है तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन किसके अंदर स्टोर थी मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर किसके अंदर स्टोर थी डेटा रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन वॉज स्टोर्ड इन इंस्ट्रक्शन वॉज स्टोर्ड इन डेटा रजिस्टर इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर थी एंड द साइज ऑफ डेटा रजिस्टर कैन बी ऑफ सिक्सटीन बिट राइट यानी कि जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन का साइज़ है आपके इस बेसिक कंप्यूटर के अंदर जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो आपका सिक्सटीन बिट का साइज़ हो सकता है The size of an instruction can be of 16 bit. So because आपका instruction का size 16 bit का हो सकता है तो इसी वजह से जो आपका instruction register है instruction register का भी size आपका 16 bit का ही होगा okay? Right? So हम लोग यहाँ से क्या करेंगे जो इस, memory data register के अंदर जो भी instruction है उसको हमने instruction register के अंदर copy किया तो ये सभी ऑपरेशन हम करेंगे fetch साइकिल के अंदर अब fetch करने के बाद आपका जो नेक्स्ट फेज़ है वो यहाँ पर डिकोड फेज़ है डिकोड स्टेज यानी कि इंस्ट्रक्शन को अब आपने फेच कर लिया मेन मेमोरी से आपको पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन क्या थी क्या एग्जीक्यूट करनी थी उसको आप लेकर आगे उसके बाद हम डिकोड करेंगे यानी कि अब डिकोड साइकिल क्या करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो भी इस समय पर करंटली इंस्ट्रक्शन प्रजेंट है अब हम उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू को लेकर जाएंगे कंट्रोल यूनिट के पास और कंट्रोल यूनिट के पास जाकर हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे ठीक है तो डिकोड साइकिल में यू कैन से कि कंट्रोल यूनिट्स डिकोड्स द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हम बाद में चेक करेंगे कंट्रोल यूनिट को कैसे डिजाइन करना है हाउ कैन यू डिज़ाइन द कंट्रोल यूनिट किस तरह के गेट्स यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से हम आईसी यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ाइन द कंट्रोल यूनिट बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो डिकोड स्टेज के अंदर हम कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के कॉन्टेंट को डिकोड करेगी ठीक है अब उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है थर्ड स्टेप में आपका जो एग्जीक्यूशन स्टेज है एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या होगा कि जो आपकी कंट्रोल यूनिट है दिस कंट्रोल यूनिट सेंड्स द सिग्नल और कैन से सेंड्स द रिलेवेंट मी रेंट सेंड्स सिग्नल टू द रिलेवेंट कॉम्पोनेंट टू रिलेवेंट कॉम्पोनेंट्स राइट फॉर एग्जाम्पल एल यू राइट कहने का मतलब क्या था कि जो कंट्रोल यूनिट है वो अब डिसाइड करेगी एग्जीक्यूशन स्टेट में कि हमें अब इस इंस्ट्रक्शन के साथ करना क्या है क्या हमें इसको ए एल यू के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो जो कंट्रोल यूनिट है वो उसके बाद यहाँ पर उसको सेंड करेंगे ठीक है अब देखो एज आई सेट ये जो एक्यूमलेटर है एक्यूमलेटर का काम क्या है द वर्क ऑफ द एक्यूमलेटर इज टू स्टोर द रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ए एल यू ए एल यू से जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप एक्यूमलेटर में स्टोर करेंगे ठीक है अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने की आपको कई चीज़ों की वर्किंग समझ आई लेकिन कुछ चीज़ों की वर्किंग अभी भी समझ में आई राइट जैसे मेमोरी यूनिट आपको समझ आया किसका काम क्या है एड्रेस रजिस्टर का समझ आ गया प्रोग्राम काउंटर का समझ आ गया डेटा रजिस्टर का समझ आ गया एक्यूमेलेटर का काम का का समझ आ गया एक्यूमेटर का काम क्या है कि जो भी रिजल्ट एल्यू प्रोड्यूस करेगा उसे एक्यूमेटर के अंदर स्टोर करेंगे अब ये जो ई है ई इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फ्लैग ई e जो है वो यहाँ पर एक फ़्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि कई बार क्या होता है कि आप कुछ रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद आपके पास कुछ फ्लैग आप सेट कर सकते हैं जैसे लेटा सेज्यूम कि कोई कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ तो उसके लिए आप यहाँ पर ई e का यूज़ करेंगे तो अगर ई e सेट है यानी कि हमारे पास एक फ्लैग है जो सेट हो गया है यहाँ पर ठीक है तो अब एल के पास डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है तो एल जो है वो डेटा रजिस्टर से डेटा ले सकता है राइट right? जैसे अगर आपके पास एक वो है एड आर नॉट एक इंस्ट्रक्शन है ठीक है तो आर एड आर नॉट में आर नॉट जो है वो एक एड्रेस है ठीक है अब ये एड्रेस कहाँ पर स्टोर होगा दिस एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन द एड्रेस रजिस्टर ठीक है एड्रेस कहाँ स्टोर होगा एड्रेस रजिस्टर में और जो सॉरी नॉट so uh, जो, जो जो पूरी इंस्ट्रक्शन है सॉरी दिस इज़ द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन तो जो इंस्ट्रक्शन है वो है आपकी एड आर नाट ठीक है तो इस पूरी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट हैं जो फर्स्ट पार्ट है एड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेशन कोड ये एक ऑपरेशन कोड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड दिस आर नॉट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एड्रेस ये एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर अब हम क्या करेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से सबसे पहले ये जो ऑपरेशन कोड है इसको हम भेजेंगे कंट्रोल यूनिट के पास अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करो कि बताओ कि हमें क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है सो लेट अस अज्यूम कि आपका ऑपरेशन जो है एडिशन ऑपरेशन है करेक्ट अब उसके बाद हम इस रजिस्टर के पास जाएंगे और वहाँ से हम डेटा को लेकर आएंगे और वो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा डेटा रजिस्टर के पास ठीक है कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन है ऐड थ्री थाउजेंड करेक्ट यानी कि जो आपके पास मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड पर जो भी डेटा है वो क्या है वो हमारा एक ऑपरेंड है वो एक ऑपरेंट है वो ऑपरेंट कहाँ पर स्टोर होगा वो ऑपरेंट स्टोर होगा डेटा रजिस्टर के पास राइट और ये जो एड थ्री थाउजेंड इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर होगी ये होगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास और जो इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा आपके पास एक्यूमलेटर के पास यानी कि जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग उस समय पर जो हमारा ए एल यू है जिसको सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है दिस ए एल यू शुड बी कनेक्टेड टू दिस ए एल यू शुड बी कनेक्टेड टू द डेटा रजिस्टर ताकि ऑपरेंट को ले सके इट शुड बी कनेक्टेड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ताकि जो इंस्ट्रक्शन एक्जीक्यूट करनी है उसको ले सकें एंड इट शुड ऑल्सो भी कनेक्टेड टू द एक्मलेटर बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपका जो रिज़ल्ट है हम उस रिजल्ट के ऊपर दोबारा से ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ना अलग अलग सी पी यू के आर्किटेक्चर है जैसे हमारे पास एक एक्ूमुलेटर सी पी ओ आर्टेक्चर है यानी कि जैसे अगर ये इंस्ट्रक्शन आपके पास है एड थ्री थाउजेंड तो एट थ्री थाउजेंड में एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू ऑपरेंट्स जैसे यू कैन हैव थ्री प्लस फोर राइट तो यहाँ पर ये जो प्लस है ये एडिशन ऑपरेशन है थ्री इज़ योर ऑपरेंट वन एंड फोर इज़ योर ऑपरेंट टू ठीक है तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन ये आपकी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ठीक है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है राइट नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन लेटर ऑन ऑल्सो बिकॉज अभी हमें एड्रेसिंग मोड्स को करना है ओके okay, मैं इसको प्रॉपर फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आई फील कि मैंने बहुत अच्छे से समझ समझाया नहीं है लेट मी एक्सप्लेन इट ठीक है देखो एड्रेसिंग मोड क्या रिप्रेजेंट करता है एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है ठीक है एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि हम जब भी कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो एड्रेसेस कैसे पास करेंगे तो हमारे पास कुछ एड्रेसिंग मोड है जैसे कि हमारे पास एक है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जिसमें रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपके पास आ सकता है यू कैन हैव रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ठीक है या फिर आपके पास मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है राइट right? जैसे आपके पास मेमोरी इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ठीक है एक एनालॉगी देता हूँ एग्जाम प्रोग्राम्स के थ्रू ताकि आपको समझ में आए सो लेट इसम ये आपका प्रोग्राम है मेन फंक्शन एंड हियर वी आर डूइंग इन ए इज इक्वल टू फाइव इंटीजर बी इज़ इक्ल टू सिक्स ठीक है एंड दिस इज योर प्रोग्राम एंड लेटर ऑन समवेयर यू आर परफॉर्मिंग ए प्लस बी आप यहां पर कहीं पर ए प्लस बी को परफॉर्म कर रहे हैं सो वट यू कैन डू इज ये जो पहला वैल्यू है फाइव यू कैन स्टोर दिस वैल्यू फाइव इन द एक्मलेटर ठीक है एंड दिस वैल्यू सिक्स एंड दिस वैल्यू सिक्स विल बी स्टोर्ड इन दिस मेमोरी यूनिट वैल्यू सिक्स कहाँ पर स्टोर है मेमोरी यूनिट के पास ठीक है और ये मेमोरी यूनिट में किस लोकेशन पर स्टोर्ड है इट इज़ स्टोर्ड एट द लोकेशन थ्री थाउजेंड नाउ इफ़ आई डू द इंस्ट्रक्शन लाइक एड दिस ओके एड थ्री थाउजेंड ये एक इंस्ट्रक्शन है एड थ्री थाउजेंड उस केस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू फाइव है दिस एल यू विल टेक द वैल्यू फाइव फ्रॉम द एक्मलेटर एंड इट विल टेक द वैल्यू सिक्स फ्रॉम द मेमोरी यूनिट राइट मेमोरी यूनिट से कहाँ पर आएगी एड्रेस डेटा रजिस्टर के पास इट विल टेक द मेमरीज वैल्यू सिक्स फ्रॉम द डेटा रजिस्टर और जो भी इनका रिजल्ट होगा एडिशन वो हम स्टोर करेंगे कहाँ पर एक्यूमलेटर के पास तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जहाँ पर हम सिर्फ एक ही एड्रेस को पास करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन या आपकी एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन है एंड दिस इंस्ट्रक्शन राइट नाउ इज़ अ मेमरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बिकॉज हमने डायरेक्टली एक मेमरी लोकेशन का एड्रेस दिया कि कहाँ से आपको वैल्यू को लेना है अंडरस्टूड अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी हो सकती है आपके पास सब इंस्ट्रक्शन कैन बी लाइक दिस ठीक है तो वी कैन हैव लाइक एड टू थाउजेंड कमा थ्री थाउजेंड राइट यानी कि जो आपका वैल्यू फाइव है वो भी मेमोरी लोकेशन टू थाउजेंड पर स्टोर है दिस वैल्यू सिक्स इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड तो यानी कि उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस मेमोरी लोकेशन टू थाउजेंड से वैल्यू को भी लेना है मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड से भी वैल्यू लेना है उसको एड करना है उसका रिजल्ट स्टोर करेंगे एक्मलेटर में तो इस केस में ये जो इंस्ट्रक्शन है ये होंगी आपके पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन जिनके अगर आप दो एड्रेसेस पास करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन ठीक है राइट नाउ अभी जो हमने अपने बेसिक सी, सी को डिज़ाइन किया है ये जो पूरा बेसिक सी है दिस बेसिक सी इज़ ओनली गोइंग टू एग्जीक्यूट वन एड्रेस और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन ये सिर्फ या तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा या फिर ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा अंडरस्टूड कि वन एड्रेस और टू एड्रेस का मतलब क्या होता है राइट right? सेकेंडली हमारे पास एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी है इनडायरेक्ट इन डायरेक्ट का एक एग्जाम्पल है हमारे पास पॉइंटर्स पॉइंटर्स इन डायरेक्ट का एग्जाम्पल है जैसे जैसे यू कैन डू समथिंग लाइक दिस कि आपके पास एक प्रोग्राम है दिस इज द मेन फंक्शन हियर वी आर हैविंग इंटीजर ए इज इक्वल टू फाइव वी आर हैविंग इंटीजर बी इज इक्वल टू एम परसेंट इंटीजर स्टार बी इज इक्वल टू एम परसेंट ए एंड वी आर डूइंग ए प्लस ऑफ स्टार बी ठीक है अब ये जो बी है बी इज़ अ पॉइंटर बी जो है वो एक्जैक्टली exactly उस डेटा वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा है इट इज़ नॉट स्टोरिंग द डेटा वैल्यू जिसको हमें ऐड करना है बट रेदर इट इज़ इन डायरेक्टली पॉइंटिंग टू दैट डेटा वैल्यू तो ये एक इनडायरेक्ट पॉइंटर है राइट इट इज़ नॉट डायरेक्टली कंटेनिंग द डेटा वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा बी जहाँ पर जो वैल्यू स्टोर है जो एड्रेस स्टोर कर रहा है हमें पहले उस एड्रेस पर जाना पड़ेगा एंड फ्रॉम दिस एड्रेस आई हैव टू टेक आउट दिस वैल्यू और फिर उसके बाद हम इस एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं सो so बेसिकली यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और वो सभी इंस्ट्रक्शन है अपने ही सी पी यू के आर्किटेक्चर के बेसिस पर हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड ठीक है addressing mode, और मैंने जो एड्रेसिंग मोड का टॉपिक है अभी के लिए आपके साथ स्किप करवा दिया था बट आफ्टर टू डेज क्लास आई विल ऑल्सो डिस्कस द एड्रेसिंग मोड या फिर इस क्लास के अंदर भी मैं एड्रेसिंग मोड को डिस्कस कर सकता हूँ ठीक है सो वंस यू कवर एड्रेसिंग मोड तो ये चीज़ आपके साथ क्लियर हो जाएंगी तो so यहाँ पर uh, क्या रिप्रेजेंट किया गया है इन दिस टेबल वी आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ़ द सेलेक्ट लाइन्स तो आपके पास जो सेलेक्ट लाइन है इन दिस uh, ये जो आपके पास कॉमन बस थी सो इन दिस कॉमन बस आपके पास तीन सेलेक्ट लाइन है यू हैव एस नॉट एस वन एंड एस टू ये तीन सेलेक्ट लाइन्स आपके पास इस कॉमन बस के अंदर है तो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग कि जो आपके पास सेलेक्ट लाइन्स हैं दीज सेलेक्ट लाइन्स ओके जो आपके पास सेलेक्ट लाइन्स हैं यहाँ पर तो ये जितनी भी सेलेक्ट लाइन्स हैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज हम मैक्सिमम क्या वैल्यू पास कर रहे हैं द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी आर पासिंग इज सेवन एंड द मिनियम वैल्यू दैट वी आर पासिंग इज वन तो कौन सी वैल्यू किस चीज़ से एसोसिएट है जैसे वैल्यू सेवन इज एसोसिएट विद द मेमरी वैल्यू वन इज एसोसिएटेड विद द एड्रेस रजिस्टर वैल्यू टू इज एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम काउंटर तो वैल्यू कौन सी वैल्यू किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है दिस इज वॉट इट इज दिस स्टेबल इज रिप्रेजेंटिंग तो यहाँ पर इट इज शोइंग कि हमारे पास जो डेटा बस है उसके अंदर तीन सलेक्ट लाइन है वी हैव थ्री स्लेक्ट लाइन इज द डेटा बस इफ वी आर पासिंग ए वैल्यू जीरो 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 दट मीन्स नो रजिस्टर विल भी सेलेक्टेड इफ़ यू आर पासिंग ए वैल्यू जीरो जीरो वन दट मींस एड्रेस रजिस्टर विल भी सेलेक्टेड इफ यू आर पासिंग ए वैल्यू जीरो वन जीरो दट मीन्स प्रोग्राम काउंटर विल भी सेलेक्टेड इफ यू आर पासिंग जीरो वन वन दैट मीन्स डेटा रजिस्टर विल भी सेलेक्टेड इफ यर पासिंग द वैल्यू वन जीरो वन दट मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विल भी सेलेक्टेड एंड ई आर पासिंग द वैू वन वन जीरो दैट मीस टेम्प्रेरी रजिस्टर विल भी सेलेक्टेड और यहाँ पर वो रिप्रजेंट किया गया है कि आपके पास जो सेम आपकी जो सिस्टम बस है दिस सिस्टम बस विल भी कैरिंग बोथ डेटा एज़ वेल एज इट आज ऑल्सो भी कैरिंग द एड्रेस राइट मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सिस्टम बस है इट इज़ अन्न बिट सिस्टम बस तो यानी कि जब हम डेटा को कैरी हैं तो सभी की सभी सिक्सटीन बिट वहाँ पर यूटिलाइज़ होंगी लेकिन जिस समय पर आप एड्रेस को कैरी कर रहे हैं तो जो फर्स्ट फोर बिट हैं वो फर्स्ट फोर बिट हम ज़ीरो सेट करेंगे और रेस्ट जो आपकी ट्वेल्व बिट है वो सभी एड्रेस को कैरी करेगी राइट दिस इज़ वट इज रिटर्न हीयर ओके सो

और जो डेटा रजिस्टर है वो डेटा कैरी करता है दैट विल बी ऑफ 16 बिट तो जो आपकी कॉमन बस है राइट right? जैसे लेट मी गो बैक हियर तो ये जो आपकी कॉमन बस है दिस कॉमन बस इज ऑफ 16 बिट कॉमन बस ये 16 बिट कॉमन बस की है एंड दिस प्रोग्राम काउंटर दिस एड्रेस रजिस्टर विल बी कैरिंग ट्वेल्व बिट्स लेकिन कॉमन बस कितने की आपकी सिक्सटीन बिट की तो जो टोटल आपकी सिक्सटीन बिट्स हैं लाइक दिस दो टोटल आपकी 16 बिट है उसमें से फर्स्ट फोर बिट के अंदर हम लोग जीरो सेट करेंगे जब ये एड्रेस को हम लोग इस बस के अंदर पास करेंगे तो जो पहली चार बिट है वो यहाँ पर ज़ीरो सेट होंगी और लास्ट के जो 12 बिट्स हैं दे विल बी कवरिंग द एड्रेस वो एड्रेस को कंटेन करेंगी दिस इज वट इट इज रिटर इन द थर्ड पॉइंट ये थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा है ठीक है क्लियर और जो लास्ट पॉइंट है तो लास्ट पॉइंट में देखो आपके पास इफ़ यू चेक इट आउट तो यहाँ पर जो इनपुट रजिस्टर है सो इनपुट रजिस्टर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बस करेक्ट एंड दिस आउटपुट रजिस्टर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बस आउटपुट रजिस्टर बस के साथ कनेक्टेड है लेकिन जो इनपुट रजिस्टर बस के साथ कनेक्टेड नहीं है इनपुट रजिस्टर ए एल यू के साथ कनेक्टेड है करेक्ट तो यानी कि जब ये आउटपुट रजिस्टर के अंदर हम लोग से के अंदर हम जब कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे तो जो आपका आउटपुट रजिस्टर है इट इज़ ओनली ऑफ एट बिट या आपका सिर्फ एट बिट का आउटपुट रजिस्टर है और जो ये पूरी बस है ये सिक्सटीन बिट की है तो यानी कि टोटल सिक्सटीन बिट में से जो फर्स्ट एट बिट है हम उसको ज़ीरो सेट कर देंगे और लास्ट के जो एट बिट है वो वो वैल्यू कंटेन करेगा जो हमें आउटपुट रजिस्टर के अंदर स्टोर करनी है ठीक है द वैल्यू दैट वी हैव टू स्टोर इन द आउटपुट रजिस्टर विल बी द लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट एट बिट एंड द फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट एट बिट्स विल बी सेट टू जीरो सो दिस इज वाट इज़ रिटर्न हियर ठीक है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वन द एट बिट when द 8 बिट आउटपुट register is लोडेड फ्रॉम द बस द data कम्स फ्रॉम द लोअर 8 बिट्स ऑन द बस जो टोटल आपके पास बस के अंदर हम 16 बिट काउंट करेंगे तो 16 बिट में से ये आपकी होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस रिप्रेजेंटिंग योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो आपका जो फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट है हम यहाँ पर ज़ीरो सेट कर देंगे और लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट के अंदर हम यहाँ पर वन सेट कर देंगे राइट सो दैट वी कैन लोड दैट वैल्यू हेयर देयर अब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हम लोग बनाएंगे ठीक है तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस तो इंस्ट्रक्शंस हम कैसे बना सकते हैं देखो हमने क्या क्या अब तक देखा हमने अब तक क्या क्या देखा है अब तक पूरी जर्नी में आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या, क्या किया है अब तक तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास बेसिक कंप्यूटर्स के लिए हमारे पास गेट्स क्या क्या होते हैं राइट गेट्स होने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो डिफरेंट आई कौन कौन सी हैं जैसे मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर ये सभी क्या दीज आर आई और फिर मैंने बताया कि इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप रजिस्टर्स को कैसे बना सकते हैं सो ओबली रजिस्टर इज ऑल्सो इन आई सी राइट आई सी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट सो आफ्टर दीज रजिस्टर्स आई शोन यू कि जो हमारा बेसिक कंप्यूटर है उस बेसिक कंप्यूटर को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उस बेसिक कंप्यूटर का जो एडिश एडल लॉजिक यूनिट है या फिर अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट है उसको कैसे बनाया जा सकता है उसका जो डेटा बस है यानी कि जो सिस्टम बस है उसको कैसे बनाया जा सकता है और फिर उसके बाद यहाँ पर हम बेसिक कंप्यूटर को अब तक हमारा बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन हो चुका है लेकिन अब इस बेसिक कंप्यूटर के लिए दो चीज़ें देनी ज़रूरी है पहली है इंस्ट्रक्शंस राइट इंस्ट्रक्शन हमें बनानी जरूरी है हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर से अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी इंस्ट्रक्शंस किस तरह की होंगी तो अभी हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को बनाना सीखेंगे राइट तो देखो इंस्ट्रक्शन क्या होता है वट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था राइट इफ़ यू हैव सीन दिस डायग्राम तो इस डायग्राम में काफ़ी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर द लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी हियर इज दीज थिंग्स राइट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो बटन्स अब इन बटन की हेल्प से क्या होता है कि बटन्स को प्रेस करते हैं और अकॉर्डिंगली यू कैन परफॉर्म द वर्क इवन आपके पास ये कुछ बटन हैं जैसे ए सी इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एक्ूमलेटर एट एस पी पी सी सी वाई ज़ीरो ब्रेक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर तो ये सब बटन्स हैं तो इन बटन से क्या होता है कि वेन एवर यू प्रेस अ बटन सब इंस्ट्रक्शन इज जनरेटेड और उस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है द वर्क ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन इज टू कम्युनिकेट यू नो विद द सिस्टम ठीक है अब इंस्ट्रक्शन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं तो मैंने आपको कुछ बताया था कि आपका जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ गोइंग टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका सिक्सटीन बिट का है तो सिक्सटीन बिट का जो रजिस्टर है तो उसके अंदर ये कंप्लीट आपके सिक्सटीन बिट के इंस्ट्रक्शन है दिस इज़ योर सिक्सटीन बिट इंस्ट्रक्शन अभी सिक्सटीन बिट इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जैसे एड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड ठीक है अब कहने का मतलब है कि ये जो थ्री थाउजेंड है दिस थ्री थाउजेंड इज रिप्रेजेंटिंग एड्रेस ये थ्री थाउजेंड जो है ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है तो आपका एड्रेस कितने बिट का होगा यू विल बी हैविंग अ टोटल ऑफ ट्वेल्व बिट ऑफ एड्रेस आपका जो एड्रेस है वो ट्वेल्व बिट का होगा यानी कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स बची हैं हमारे पास हाउ मेनी बिट्स आर रिमेनिंग टोटल फोर बिट्स आर रिमेनिंग ओके एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दीज फोर बिट्स वी कैन स्पेसिफाई कि हमें क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ठीक है अब इसका बेसिक आइडिया हम समझते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो मैं बेसिक आइडिया समझाने की कोशिश करता हूँ ओके सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर इंस्ट्रक्शन फाइन इंस्ट्रक्शन है आपके पास एड टू फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन अस अज्यूम इट इज़ टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा सो so बाइनरी में दिस 256 इन 12 बिट्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़ीरो 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 वन आई थिंक दिस वन मोर जीरो इज रिक्वायर्ड ज़ीरो वन राइट एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो ये जो है ये आपका ट्वेल्व बिट्स का यहाँ पर एड्रेस है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एड्रेस अब ये जो एडिशन इंस्ट्रक्शन है विद एवरी इंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू हैव अ बाइनरी सीक्वेंस अगर आपने डिवाइस के अंदर एक बटन को प्रेस किया इफ़ यू आर प्रेसिंग अ बटन तो इसका मतलब है एक बाइनरी सीक्वेंस जनरेट होगा एंड दैट बाइनरी सीक्वेंस विल बी गिवन टू अ डिकोडर फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फॉर दिस एडिशन इंस्ट्रक्शन वी हैव द बाइनरी सीक्वेंस जीरो वन जीरो वन वन तो हम लोग क्या करेंगे वी आर गोइंग टू गिव दिस वन दिस ज़ीरो दिस वन एंड दिस वन टू अ डिकोडर इसको हम एक डिकोडर के पास देंगे ओके एंड दिस डिकोडर इज अ फोर क्रॉस सिक्सटीन डिकोडर कौन सा डिकोडर है आपका फोर क्रॉस सिक्सटीन सो वी आर गोइंग टू हैव सिक्सटीन आउटपुट लाइन्स दिस वे वी आर गोइंग टू हैव अ टोटल ऑफ सिक्सटीन आउटपुट लाइन्स ठीक है सिक्सटीन आउटपुट लाइन्स अब हम क्या करेंगे जितनी भी आपके आउटपुट लाइन्स है वी आर गोइंग टू कम्बाइन ईच ऑफ दीज आउटपुट लाइन्स विथ समशन ठीक है तो कुछ ही ऑपरेशन के साथ हम इसको कम्बाइन करेंगे मे बी आई कैन से इस आउटपुट लाइन को बिकॉज इट इज़ रिप्रजेंटिंग अ वैल्यू एज मे बी थर्टीन राइट शायद इट थर्टीन मे बी इट इज़ रिप्रजेंटिंग अ वैल्यू विच इज़ इलेवन तो इलेवन को रिप्रजेंट कर रहा है सो आई कैन टेक दिस आउटपुट लाइन इलेवन एंड आई कैन कम्बाइन इट टू वन एडिशन सर्किट मैं इसको एडर के साथ कंबाइन कर सकता हूँ एंड दिस एडर कैन टेक इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन को लेगा फ्रॉम द मेमरी लोकेशन एज वेल एज इट कैन ऑल्सो टेक द सेकंड वैल्यू फ्रॉम द एक्यूमलेटर इट कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट और जो भी रिजल्ट होगा रिजल्ट एड करने का आई एम गोइंग टू स्टोर द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वेन एवर यू ट्राई टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन एवरी इंस्ट्रक्शन हियर इज़ कम्बाइंड विद सम बाइनरी सीक्वेंस हम हर एक इंस्ट्रक्शन को एक बाइनरी सीक्वेंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं ओके okay? अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने बिट की है हाउ मेनी बिट्स आर देयर हियर मतलब कितने बिट्स हैं यहाँ पर सो देर आर टोटल ऑफ फोर बिट्स यानी कि अगर मैं इन फोर बिट्स इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करूँगा दैट मीन्स वी कैन हैव टोटल ऑफ सिक्सटीन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपके पास सिक्सटीन इंस्ट्रक्शंस होंगी कितनी इंस्ट्रक्शन होंगी यहाँ पर टोटल आपके पास सिक्सटीन इंस्ट्रक्शंस ठीक है बट इज़ इट पॉसिबल कि हम लाह यहाँ से सिक्सटीन से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन बना सकें क्या हम यहाँ से सिक्सटीन से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल ऐसा पॉसिबल है ठीक है ऐसा पॉसिबल है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिकोडर का जो एक आउटपुट है इस आउटपुट के साथ अगेन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट वन मोर डिकोडर इस एक आउटपुट के साथ आप एको डिकोडर को कम्बाइन कर सकते हैं ठीक है करेक्ट और इवन यू कैन टेक वन मोर बिट हियर एंड यू कैन ऑल्सो गिव दिस बिट हियर टू दिस डिकोडर एंड अगेन जो दूसरा डिकोडर है विद दिस डिकोडर ऑल्सो वी कैन गेट सम इंस्ट्रक्शन बेसिकली इस कंप्यूटर के अंदर वी कैन हैव 16 इंस्ट्रक्शंस बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट मोर इंस्ट्रक्शंस तो यहां पर इस कंप्यूटर के अंदर हम मोस्टली वी आर गोइंग टू क्रिएट ट्वेंटी फाइव इस कंप्यूटर में हम लोग अपने 25 फाइव को बताएंगे मैं आपको बताता हूँ किस कैसे बना सकते हैं हाउ केन वी डू इट वही चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेपेपेपेपेप बनाऊंगा ठीक है तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है वी कैन हैव थ्री काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ योर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन द सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज़ योर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड इंस्ट्रक्शन इज़ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन ठीक है मेमोरी रेफरेंस का मतलब है कि उस इंस्ट्रक्शन में से हम एक मेमोरी एड्रेस को रेफर करेंगे अंडरस्टूड जैसे जैसे लेटर सपोज वी हैव इंस्ट्रक्शन एड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड ठीक है यानी कि ये जो एड्रेस गिवन है दिस एड्रेस इज योर मेमोरी एड्रेस ये एक मेमोरी का एड्रेस है सो दिस इज योर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन करेक्ट नाउ वी कैन ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन विच इज आई एन सी आर ए सी वेयर आई एन सी आर मीन्स इंक्रीमेंट एंड ए सी मीन्स रजिस्टर मतलब ए सी इज़ अक्यूमलेटर एक्यूबलेटर इज़ अ रजिस्टर राइट so AC is representing your accumulator and accumulator is a register. Maybe we can increment the value of accumulator, maybe we can increment the value of a program counter or something. तो agar yahan par hum log kisi register ka naam denge so that kind of instruction will be called as a register reference instruction. Memory reference का मतलब है जहाँ पर हम memory address को दे रहे हैं और register reference का मतलब है जहाँ पर हम register को address दे रहे हैं, okay? फोर्थ वन थर्ड वन इज़ योर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन तो आपका जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है दैट इज ओनली ऑफ एट बिट्स ठीक है वो सिर्फ एट बिट्स का ही है ठीक तो है तो एनी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वी कैन हैव मेमरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वी कैन हैव रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वी कैन हैव इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन ठीक है अब हम लोग क्या करने वाले हैं जो हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन है अब हम लोग उसमें कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपकी जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है दिस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन ठीक है तो इस इंस्ट्रक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया वन पार्ट विल बी कंटेनिंग द एड्रेस एंड सेकेंड पार्ट विल बी कंटेनिंग योर ऑपरेशन कोड राइट और जो ऑपरेशन कोड है वो आपका फोर बिट का है और जो एड्रेस है वो आपका ट्वेल्व बिट का है ठीक है अब हमने क्या बोला कि ये जो आपकी फोर बिट है ऑपरेशन कोड के अंदर सो दीज आर दीज फोर बिट ये आपकी चार फोर बिट है दीज आर दिज फोर बिट्स इन सभी फोर बिट के अंदर इन सभी फोर बिट के अंदर हम बोलते हैं कि इफ़ इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन अगर वो एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है दैट मीन्स हम यहाँ पर इस बिट को वन सेट करेंगे अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो वन है दैट मीन्स इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन या आपकी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है इफ़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ वन दैट मीन्स इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन अंडरस्टूड अगर हम ऐसा कुछ करें इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस कि इन सभी चार बिट में से इफ यू आर गोइंग टू सेट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज जीरो अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज़ीरो है दैट मीन्स इट इज़ रिप्रजेंटिंग योर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन या आपकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है ठीक है क्लियर और अगर आपकी ये चारों के चारों बिट वन है इफ ऑल ऑफ दीज फोर बिट्स आर वन दैट मीन्स वी आर टॉकििंग अबाउट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं तो यहाँ पर जो रजिस्टर ऑपरेशन है मतलब रजिस्टर्स आपके पास पूरे कंप्यूटर में पूरे सिस्टम में आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स बहुत कम है देर आर वेरी फ्यू रजिस्टर्स इन दिस एंटायर सिस्टम राइट तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास रजिस्टर कौन कौन से हैं वी हैव एक्यूमलेटर We have address register, we have data register, we have program counter, we have a temporary register. We have E which is basically a kind of a register that is going to store temporary values from the CPU or you can say flag, address register, data register, program counter, temporary register or input register and your output register, right? तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं हमारे पास वी आर हैविंग टोटल ऑफ़ सेवन रजिस्टर्स आपके पास टोटल सेवन रजिस्टर्स हैं अब सेवन रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थ्री बिट्स की जरूरत है सिर्फ वी ओनली नीड थ्री बिट्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑलसो करेक्ट तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी है राइट right? तो यहाँ पर जो इनपुट रजिस्टर आउटपुट रजिस्टर अगेन हम लोग जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है उसमें से हम इनपुट रजिस्टर को जो वाली हो वो डायरेक्टली सी से कम्युनिकेट करते हैं सो आई कैन टेक ओनली आउटपुट रजिस्टर हियर तो जस्ट यू कैन सी कि हमारे पास टोटल सेवन रजिस्टर्स हैं अगर आपके पास सेवन रजिस्टर है यू ओनली हैव सेवन रजिस्टर्स तो हर एक रजिस्टर का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की ज़रूरत है दैट इज लॉग सेवन बेस टू सीनिंग वैल्यू दैट मीन्स यूनिट थ्री बिट ऑफ एड्रेस आपका रजिस्टर का जो एड्रेस है वो तीन बिट का होगा ठीक है तो यानी कि जो आपके रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में अगर हम इस एड्रेस वाले पार्ट के अंदर आते हैं दिस एड्रेस वाला पार्ट राइट right? एड्रेस वाला पार्ट कितने बिट का आपके पास ट्वेल्व बिट्स का हम इस ट्वेल्व बिट्स में से सिर्फ थ्री बिट्स का ही यूज़ करेंगे वी आर ओनली गोइंग टू यूज थ्री बिट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज एड्रेस बिट्स इन सभी एड्रेस बिट्स में से हम सिर्फ तीन बिट का ही यूज़ करेंगे सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बिट्स फ्री हो सकती है एंड आई कैन कम्बाइन दीज एक्स्ट्रा बिट्स सो दैट हम इन में से कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को कम्बाइन कर सकते हैं ताकि हम लोग कुछ कर सके राइट सो बेसिकली आई वॉज टेलिंग यू कि जो आपका रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है सो so आपका जो रजिस्टर्स हैं यू ओनली हैव सेवन रजिस्टर्स सो बिकॉज यू ओनली हैव सेवन रजिस्टर्स दैट इज़ वाई यू ओनली नीड थ्री बिट्स टू रिप्रेजेंट अ रजिस्टर एड्रेस आपको सिर्फ रजिस्टर एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर तीन बिट्स की ही जरूरत है यू डो नॉट नीड मोर देन थ्री बिट्स टू रिप्रेजेंट अ रजिस्टर एड्रेस राइट सो दैट मीनस इफ़ यू हैव अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इन दैट केस आई कैन यूज सम एक्स्ट्रा बिट्स फ्रॉम दिस एड्रेस पार्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर आपके रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हम उस समय अगर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो एड्रेस पार्ट्स में से हम कुछ बिट्स को ले सकते हैं तो अब हमने इसको देखते हुए ये सभी इंस्ट्रक्शन को बनाया है अभी इंस्ट्रक्शन को कैसे बनाया है आई वेल एक्सप्लेन यू कि इन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है और इसको हमने कैसे बनाया है ओके कितनी इंस्ट्रक्शंस है काउंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फ़ाइव सो हियर वी हैव टोटल ऑफ ट्वेंटी फ़ाइव इंस्ट्रक्शंस सो हियर वी हैव टोटल ऑफ ट्वेंटी फाइव इंस्ट्रक्शन मेरे ट्वेंटी फाइव इंस्ट्रक्शन है सो लेटस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्वेंटी फाइव इंस्ट्रक्शन हमने कैसे बनाई हर एक इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या सो बेसिकली इफ़ यू टेक एन इंस्ट्रक्शन हेयर अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को लेते हैं सो हेयर यू कैन सी इन एन इंस्ट्रक्शन यू हैव द फर्स्ट फोर बिट इज़ ऑपरेशन कोड जो पहला चार बिट है ऑपरेशन कोड है एंड रेस्ट ट्वेल्व बिट्स इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एड्रेस आखिरी के जो चार बारह बिट है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है ओके okay. तो अब यहाँ पर जो पहले की चार बिटों से कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं द कॉम्बिनेशन जीरो 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 ज़ीरो जीरो वन

वन वन वन जीरो वन 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 ठीक है तो जो पहली चार बिट है वी कैन हैव सिक्सटीन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस फोर बिट्स अब इन सभी फोर बिट्स के अंदर ये जो पहली बिट है दिस बिट हेयर इट इज रिप्रेजेंटिंग आई ठीक है तो ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई तो यहाँ पर भी यू कैन सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके तो यहाँ पर ये जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर दिस दिस आर प्रजेंटिंग योर टोटल सेवन कॉम्बिनेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये आपके सेवन कॉम्बिनेशन हैं तो ये जो सेवन कॉम्बिनेशनस हैं दिज आर प्रजेंटिंग योर मेमोरी डायरेक्ट ये मेमोरी डायरेक्ट रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके एंड दिस कॉम्बिनेशन ये ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी इनडायरेक्ट ये मेमोरी इन डायरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके एंड देन जब आपके पास ये बिट्स वन हो जाती हैं दीज बिट्स आर वन दीज बिट्स आर वन तो यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन हैं ये रजिस्टर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा दीज इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन तो हमने बोला कि ये जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी डायरेक्ट एंड इंस्ट्रक्शन दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी डायरेक्ट एडिशन इंस्ट्रक्शन दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमरी डायरेक्ट लोड इंस्ट्रक्शन दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमरी डायरेक्ट स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन ठीक है तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये मेमोरी डायरेक्ट और मेमोरी इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है तो ये जो वैल्यू है अगर आप चेक करेंगे हेग्जा डेसीमल में इट इज प्रेजेंटिंग अ वैल्यू जीरो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर दिस इज फाइव दिस इज सिक्स और ये जो है ये हेक्साडेसिमल डेसीमल में एट को रिप्रेजेंट कर रही हैं दिस इज़ नाइन दिस इज टेन दिस इज टेन इज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल ए इन हेक्साडेसिमल डेसीमल दिस इज़ कैपिटल बी दिस इज़ कैपिटल सी दिस इज़ कैपिटल डी एंड दिस इज़ कैपिटल ई इन हेक्साडेसिमल डेसीमल ठीक है 9, 10, is, is B, C, D, e तो यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल के कोड्स हैं सो दिस आर रिप्रेजेंटिंग फॉर मेमरी डायरेक्ट एंड मेमरी इनडायरेक्ट तो ये सभी जो हैं दिज आर रिप्रेजेंटिंग सेवन इंस्ट्रक्शन एंड ऑल ऑफ दीज सेवन इंस्ट्रक्शन आर रिलेटेड टू मेमरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन सभी सेवन इंस्ट्रक्शंस हैं ये मेमरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस है ठीक है कौन सी आई है मेमरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस ओके क्लियर राइट और जहाँ पर यह वैल्यू सेवन आती है सो दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग सेवन तो यानी कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हैं तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं यहाँ पर ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हैं या कि इन सभी इंस्ट्रक्शन में हम रजिस्टर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं दिस आर प्रजेंटिंग रजिस्टर इंस्ट्रक्शन ओके तो चलो हमारे पास आई टोल्ड यू कि हमारे पास यहाँ पर जो एक इंस्ट्रक्शन है आ, उस इंस्ट्रक्शन का जो टोटल साइज होगा दैट विल बी योर 16 बिट एक इंस्ट्रक्शन आपकी यहाँ पर 16 बिट की इंस्ट्रक्शन होगी ठीक है अब इस 16 बिट में हमारे पास जो फर्स्ट फोर बिट होती हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑपरेशन कोड और यू कैन सी ऑप कोड एंड द रेस्ट ट्वेल्व बिट्स जो बाद की जो ट्वेल्व बिट्स आपके पास होती हैं दीज रेस्ट बिट्स आर ओके सो जो बाद की जो ट्वेल्व बिट्स होती हैं दीज रेस्ट बिट्स आर यूज टू प्रजेंट द एड्रेस ये जो ट्वेल्व बिट्स हैं ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं तो जो आपकी फर्स्ट फोर बिट है तो मैंने क्या किया फर्स्ट बोट में पहली बिट को मैंने आई के साथ रिप्रेजेंट किया ठीक है तो मैंने बोला कि अगर i की वैल्यू ज़ीरो है ज़ीरो मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि जहाँ पर हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर जो एड्रेस होगा ऑपरेंड का वो एक डायरेक्ट एड्रेस होगा अगर i की वैल्यू वन होगा तो इसका मतलब है कि ये एक इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगी यानी कि एक तरीके से पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ठीक है अब मैंने बोला कि ये जो तीन बिट्स अब यहाँ पर बची हैं इन थ्री बिट्स के आपके पास टोटल एट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कॉम्बिनेशन कैन बी जीरो ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन जीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो एंड वन 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 तो हमने बोला कि ये जो इन तीन बिट से कॉम्बिनेशन है ज़ीरो से लेकर सिक्स तक के ज़ीरो से लेकर सिक्स तक के अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आता है दैट मीन्स कि ये एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी के लिए इंस्ट्रक्शन है लेकिन अगर जो कॉम्बिनेशन सेवन अगर हमारे पास यहाँ पर आता है दैट मीन्स कि एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो हमने बोला कि रजिस्टर रेफरेंस है अब हमने बोला कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर वेरी लेस कि जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं हमारे पास वो टोटल हमारे पास सेवन मेजर रजिस्टर्स हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो सेवन रजिस्टर्स का मतलब है कि वी नीड ओनली थ्री बिट्स टू रिप्रेजेंट अ रजिस्टर एड्रेस यानी कि जो ट्वेल्व बिट्स है अगर हमने यहाँ पर बोला है कि इंस्ट्रक्शन हमारी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो रजिस्टर का एड्रेस होगा वो सिर्फ तीन बिट का होगा यानी कि ये जो हमारे पास एड्रेस वाला पार्ट है इसमें से हमारे पास बहुत सारी ऐसी बिट है जो हमारे पास हमें फ्री मिलेगी जिसको हम आगे फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन है ठीक है इस इंस्ट्रक्शन में जो पहली चार बिट है अगर ये बिट्स वन है ये तीन बिट्स वन है तो इसका मतलब है कि इन थ्री बिट्स की वजह से वी कैन से इट इज़ अ रजिस्टर इंस्ट्रक्शन ये आपकी एक रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है ठीक है लेकिन ये वाली बिट जीरो होनी चाहिए दिस बिट शुड बी जीरो एंड दिस इज अ रजिस्टर इंस्ट्रक्शन अब उसके बाद जो आपकी जो बिट्स बचती हैं ये जितनी आपके पास रेस्ट बिट्स बचेंगे आपकी जो रेस्ट ट्वेल्व बिट्स यहाँ पर बचेगी तो इन ट्वेल्व बिट्स में अगेन दिज आर द फोर बिट्स ये आपकी फोर बिट्स हैं ये आपकी फोर बिट्स हैं और ये वाली आपकी फोर बिट्स हैं तो हमने बोला कि अगर इस कॉम्बिनेशन में इस कॉम्बिनेशन में इफ़ यू आर हैविंग ए वैल्यू लाइक वन जीरो 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 तो ये वाली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एट ये वाली क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एट तो जो इंस्ट्रक्शन है उसको बोलेंगे क्लियर एक्यूमलेटर एक्यूमलेटर को क्लियर करो अगर ये वाली फोर बिट्स के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जीरो वन डबल जीरो तो इसका मतलब है कि ये है क्लियर ई ई इज़ द फ्लैग अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू है जीरो जीरो वन जीरो तो यानी कि इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट एक्मलेटर यानी कि कॉम्प्लीमेंटर के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो अगर यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ है वन यानी कि जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन इसका मतलब है कि हमें करना है कॉम्प्लीमेंट ई e. फिर हमने बोला कि अगर ये पूरी बिट्स जो है अगर ये सभी वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पर आपके पास वन जीरो ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो है सर्कुलेट राइट एक्यूमलेटर एंड ई ठीक है तो इंस्ट्रक्शन का नाम है हमारे पास सी आई आर उसी तरीके से हमारे पास है सी आई एल उस तरीके से हमारे पास है एस पी एस पी ए स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ एक्मलेटर इज़ पॉजिटिव तो बेसिकली ये बोलता है कि अगर एक्ूमलेटर का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आता है जैसे हमारे पास है जंप इफ नॉट जीरो जे एन जेड या फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं जंप इफ जीरो यानी कि जंप इफ नॉट जीरो का मतलब है कि हमारे पास सी पी यू ने जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है उसने कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म किया और ऑपरेशन का जो रिज़ल्ट है वो जीरो भी आ सकता है ऑपरेशन का रिजल्ट वन भी आ सकता है तो जिस तरीके से जंप इफ नॉन जीरो जंप इफ जीरो इंस्ट्रक्शन हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमने एस पी इंस्ट्रक्शन बनाया एस पी ए मीन्स स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ एक्मलेटर इज पॉजिटिव कहने का मतलब था कि ये आपके पास ए एल यू है राइट right? आपने एक इंस्ट्रक्शन को बना दिया जैसे एस पी ए समथिंग आपने एक यहाँ पर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म किया था अस uh, अज्यूम कि आपने एक ऑपरेशन को परफॉर्म किया एंड फाइव थाउजेंड राइट right? इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया इस ऑपरेशन का रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा इस ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर होगा एक्मिलेटर के अंदर अब जो एक्मेटर में रिज़ल्ट स्टोर हुआ है अगर वो रिज़ल्ट हमारे पास वन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वन uh, जो है एक पॉजिटिव नंबर है राइट right? तो अगर एक्यूमलेटर का रिजल्ट एक पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग इस अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर की में जो इंस्ट्रक्शन है हमें उसको स्किप करना है उसके अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो मतलब स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एक्मलेटर इज पॉजिटिव नेक्स्ट स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एक्यूलेटर इज नेगेटिव इन द सेम वे स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एक्ूमलेटर इज़ जीरो तो बेसिकली हमने कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म किया उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के बेसिस पे हम यहाँ पर आ, अपनी नेक्स्ट ऑपरेशन को सेट मतलब डिसाइड करें कि हमारा अगला ऑपरेशन कौन सा होगा ओके okay? उसी तरीके से स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ ए इज़ ज़ीरो ए इज़ द फ्लैग रजिस्टर ऐसे ही हमारे पास एच है जिसको बोलते हैं हॉल्ट कंप्यूटर तो हॉल्ट इज़ लाइक हाइबोनेशन कि अपने कंप्यूटर को इस समय पर रोक दीजिए डो नॉट परफॉर्म एनी अदर टास्क ठीक है एंड दीज आर योर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि आपके पास ये सभी पहली जो चार बिट है ये सभी अगर वन है तो उस केस में हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इवन दो फोर बिट से हमारे पास इन चार बिट से सिर्फ सिक्सटी इंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल है बट वट वी कैन डू इज़ वी कैन कम्बाइन अ फ्यू वैल्यूज़ फ्रॉम हियर अगर हम लोग यहाँ पर एड्रेस वाले पार्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं देन वी कैन कम्बाइन अ फ्यू बिट्स हियर फॉर अ फ्यू इंस्ट्रक्शन ताकि हम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को इंक्रीज़ कर सकें ठीक है इसका एक बहुत पॉसिबल एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है आपके पास वो क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है उसकी कुछ लेंथ दे दिया उन्होंने बोला कि तो इंस्ट्रक्शन की लेंथ जैसे 16 है ऐसा कुछ एग्जाम में बोल सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो ऑपरेशन कोड है ऑपरेशन कोड आपके पास थ्री बिट्स का है और जो आपका एड्रेस है एक इंस्ट्रक्शन का वो हमारे पास लेटर सपोज टेन बिट्स का है नाउ दे कैन आस्क कि इसमें कितनी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है या कितनी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है या कितनी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसको हम बाद में करेंगे एड्रेसिंग मोड के अंदर तो वहाँ पर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है तो एज़ ऑफ नाउ आपको ये सभी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई विल टेल यू एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिमेंबर कर सकते हैं लेटर ऑन बट इनमें से कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है फाइन नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीटनेस तो इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीटनेस का मतलब क्या है कि देखो जिस तरीके से मैंने बताया आपके पास डिजिटल लॉजिक के अंदर आपके पास बहुत सारे गेट हैं यू कैन हैव एन एंड गेट यू कैन हैव एन और गेट यू कैन हैव अ नॉट गेट यू कैन हैव अ अंड गेट डिजिटल के अंदर यू कैन हैव अ नॉर गेट यू कैन हैव एक्स और गेट यू कैन हैव एक्स नॉर गेट या फिर आपके पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन हो सकती है ए एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस आपके पास कुछ ऐसी फंक्शंस हो सकते हैं तो अगर हम बोलते हैं कि इज़ अ फंक्शन विच इज़ फंक्शनली कम्प्लीट फंक्शनली कंप्लीट का मतलब क्या था डिजिटल लॉजिक के अंदर डिजिटल लॉजिक के अंदर फंक्शनली कंप्लीट का मतलब ये था कि हम उस पर्टिकुलर गेट से या फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन से हम किसी भी डिजिटल लॉजिक के बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनली कंप्लीट अगेन आई एम रिपीटिंग डिजिटल लॉजिक में फंक्शनली कंप्लीट का मतलब क्या था कि यूजिंग दैट पर्टिकुलर गेट और यूजिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन आई कैन इम्प्लीमेंट एनी पॉसिबल फंक्शन ऑफ डिजिटल लॉजिक देन वी कैन से दैट फंक्शन इज फंक्शनली कंप्लीट ठीक है उसी तरीके से जब मैं इंस्ट्रक्शन सेट को बोलता हूँ कि हमारा इंस्ट्रक्शन सेट एक फंक्शनली कम्प्लीट इंस्ट्रक्शन सेट है यानी कि हम किसी भी पॉसिबल फंक्शन को किसी भी पॉसिबल प्रोग्राम को अपने इंस्ट्रक्शन सेट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन सेट से उसको परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक फिबनाकी सीरीज़ का प्रोग्राम बनाना है तो आप फिबुनाकी सीरीज़ का जो प्रोग्राम है फिबुनाकी जो सीरीज़ का प्रोग्राम है फिबनाकी सीरीज़ के प्रोग्राम को आप बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर राइट right? बाद में ये जो सी लैंग्वेज है वो आपकी असेंबली इंस्ट्रक्शंस में ही कन्वर्ट होगा अब अगर ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस फंक्शनली कंप्लीट नहीं है अगर ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस फंक्शनली कंप्लीट नहीं है इसका मतलब है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर होगी इट विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल द पॉसिबल फंक्शंस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी पॉसिबल फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट टू असेंबली लैंग्वेज वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ प्रॉपर असेंबली कोड टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ समीज फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन हो सकते हैं जिसके लिए आप प्रॉपर असेंबली कोड शायद ना फाइंड आउट कर पाए तो ये कब हो सकता है वन यर इंस्ट्रक्शन सेट इज़ नॉट फंक्शनली कम्प्लीट तो बेसिकली आपके किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट को फंक्शनली कम्प्लीट होना ज़रूरी है ताकि हम सभी फंक्शंस को या सभी प्रोग्राम्स को सभी इंस्ट्रक्शंस को वहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाएँ हम सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ ओके सो इट इज थिंग ए कंप्यूटर शुड हैव अ इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सो दैट यूजर कैन कंस्ट्रक्ट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स टू इवेलुएट एनी फंक्शन दैट इज़ नोन टू बी कंप्यूटेबल अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कंप्यूटेबल है तो कंप्यूटेबल का मतलब क्या था देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी एक मैंने आपको बताई थी डिसाइडेबिलिटी इफ़ यू रिमेंबर इट मैंने आपको एक डिसाइडेबिलिटी बताई थी और एक मैंने आपको कंप्यूटेबिलिटी बताई थी राइट right? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी कंप्यूटेबल फंक्शन को किसी भी कंप्यूटेबल फंक्शन को एनी कंप्यूटेबल फंक्शन फर्ट सो एवर जैसे हमारे पास है ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर सो इट इज़ अ कंप्यूटेबल फंक्शन राइट सो इफ़ यू कैन इंप्लीमेंट एनी पॉसिबल कंप्यूटेबल फंक्शन विद द इंस्ट्रक्शन सेट देन वी कैन से द इंस्ट्रक्शन सेट इज़ कम्प्लीट इट इज़ कंप्लीटनेस ओके तो हम चाहते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है वो कंप्लीट होना चाहिए अब जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस थी हमारे पास कुछ फंक्शनल इंस्ट्रक्शंस थी तो फंक्शन इंस्ट्रक्शन में आपके अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आता है लॉजिक आता है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन आता है जैसे एडिशन सी एम ए इंक्रीमेंटेशन सी आई आर सी आई एल एंड सी एल ए तो सभी क्या है फंक्शन इंस्ट्रक्शन है उसी के साथ हमारे पास डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हैं जैसे लोड इंस्ट्रक्शन या स्टोर इंस्ट्रक्शन उसी तरीके से आपके पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जैसे ब्रांच इंस्ट्रक्शन बी एस ए आई एस जेड एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह तो आपके पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं जो एग्जिस्ट करनी चाहिए सो दैट यू कैन एक्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट एनी फंक्शन देन वी कैन से आवर फंक्शन इज कंप्लीट तो हमें जो हमारा फंक्शन है वो कम्प्लीट होगा ओके फाइन अच्छा बाय द वे मैं इसके बारे में और भी डिस्कस कर सकता हूँ एज ऑफ नाउ आई कैन डिस्कस इट लॉट ऑफ डेप्थ बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम कि इससे ज़्यादा मैं डिस्कस में इसको डेप्थ में डिस्कस करूँ राइट आई विल डिस्कस अबाउट द ड्रेसिंग मोड्स लेटर ऑन तो वहाँ पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बट आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा इसको एग्जाम में डिस्कस करने की जरूरत है ओके तो आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो कम्प्लीट साइकिल है एग्जीक्यूशन की राइट सो वैन यू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन यू हैव थ्री साइकिल्स थ्री फेजिज आर देर वैन यू एग्जीक्यूट ए इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट फेज इज योर फेच स्टेज ठीक है द सेकेंड फेज इज योर डी कोड स्टेज एंड योर थर्ड फेज इज़ योर एक्जीक्यूट स्टेज तो हम लोग ये समझेंगे कि जो तीनों स्टेज़ज़ है हाउ केन वी इम्प्लीमेंट दीज थ्री स्टेजेज़ इन आवर कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर हमने अभी तक डिज़ाइन किया है वट एवर कंप्यूटर वी हैव डिज़ाइन सो फार तो उस कंप्यूटर के अंदर हमें तीनों स्टेज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हाउ केन वी परफॉर्म अ फेच ऑफ एन इंस्ट्रक्शन हाउ कैन यू परफॉर्म डिक कोड ऑफ एन इंट्रक्शन हाउ केन यू परफॉर्म एग्जीक्यूशन ऑफ़ एन इंस्ट्रक्शन किस तरीके से हम तीनों साइकिल्स को परफॉर्म कर सकते हैं एंड वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देट आई डिस्कसड अबाउट दिस कंप्यूटर इज हैविंग अ कंट्रोल यूनिट ठीक है अब कंट्रोल यूनिट का काम किया था इफ़ यू गो बैक हीयर तो आपने चेक किया होगा कि आई गिवन यू दिस कंप्लीट सिस्टम ठीक है तो कंप्लीट सिस्टम में हमें क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है सो देट विल भी गवर्न बाय योर कंट्रोल यूनिट वो सभी ऑपरेशन जो है वह आपकी कंट्रोल यूनिट उसको गवर्न करेगी ठीक है सो एज यू कैन सी वट इज़ अ कंट्रोल यूनिट वट इज़ अ कंट्रोल यूनिट कंटिन्यूट ऑफ अ प्रोसेसर ट्रांसलेट्स द मशीन इंस्ट्रक्शन टू द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द माइक्रो ऑपरेशन दैट इम्प्लीमेंट दैम कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर एग्जाम्पल या परफॉर्मिंग एन एडिशन ऑपरेशन ठीक है अभी इस एडिशन ऑपरेशन को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है ताकि हम कुछ ऐसे सिग्नल्स को सेंड कर सकें सो दैट आवर सिस्टम और आवर कंप्यूटर कैन परफॉर्म दोज टास्क एंड दैट कैन भी डन बाई कंट्रोलिट अब जनरली ये जो कंट्रोल यूनिट आपके पास होती है यू कैन हैव टू काइंड ऑफ कंट्रोल यूनिट दो तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं द फर्स्ट वे इज यू कैन मेक अ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड सेकेंड इज यू कैन मेक अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट ठीक है सो इन हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इट इज़ मेड अप ऑफ सिक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशन सर्किट्स टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट अ कंट्रोल मेमरी ऑन द प्रोसेसर कंटेन्स माइक्रो प्रोग्राम्स दैट एक्टिवेट द नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स तो बेसिकली हार्डवेयर का मतलब क्या हार्डवेयर का मतलब क्या है कि हमें जो भी चीज़ें हैं उसको अपने हार्डवेयर के अंदर इंप्लीमेंट करनी है वट एवर ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म यू हैव टू इंप्लीमेंट दोज ऑपरेशन इन योर हार्डवेयर उन सभी ऑपरेशन को आपको अपने हार्डवेयर लेवल पर इंप्लीमेंट करना है देन आई कैन मेक इट एज अ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट ठीक है तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर यू कैन सी जैसे अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हाउ कैन वी डू इट तो वो सभी कहाँ से आएगा हमारे पास दैट विल बी डन बाई कंट्रोल तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है और इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ टाइमिंग सिग्नल का मतलब क्या है और कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है हाउ कैन यू मेक अ टाइमिंग सिग्नल ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव टू थिंग्स वन इज अ सीक्वेंस काउंटर जैसे यहाँ पर आपके पास एक फोर बिट सीक्वेंस काउंटर है यू आर यूजिंग अ डिकोडर हियर इट इज़ अ फोर क्रॉस सिक्सटीन डिकोडर एंड हियर यू हैव अ डिकोडर तो ये जो डिकोडर है दिस इज़ यूज टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन दिस डिकोडर इज यूज टू यू नो परफॉर्म द ऑपरेशन तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसका पूरा मीनिंग क्या है वट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दिस और फिर लेटर से कि ये जो डायग्राम है जैसे ये डायग्राम यहाँ पर गिवन है ना सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास क्लॉक है टी जीरो टी वन टी टू टी थ्री टी फोर अप टू सोन इन सभी क्लॉक्स का मतलब क्या है सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज क्लॉक्स ठीक है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ओके सो लेटस एज्यूम कि आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है ठीक है एंड वेन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम तो प्रोग्राम में आपके जो साइकिल्स हैं जैसे सबसे पहली साइकिल है आपके पास फेच स्टेज सबसे पहले आपके पास स्टेज होती है यहाँ पर फेच तो फेच स्टेज के अंदर हम लोग क्या क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं लेट मी राइट ऑल ऑफ दीज ऑपरेशन्स हियर सो सबसे पहला है कि प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वी विल कॉपी दैट एड्रेस टू द एड्रेस रजिस्टर ठीक है सेकेंड इज़ कि हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे ठीक है सो लेट मी ऑल्सो शो इट टू अगर आप सभी सब इसको प्रॉपर मैं ही देता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड इट वेरी फ्रिकुटली आप सबको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर सो वी स्टार्ट अ साइकिल हियर मतलब स्टार्ट ऑफ साइकिल ठीक है साइकिल को स्टार्ट करने के बाद वी डू द फर्स्ट स्टेप विच इज़ योर फेच स्टेट तो फेच स्टेट में क्या होता है एड्रेस ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज कॉपीड टू यर एड्रेस रजिस्टर तो यह आपका पहला स्टेप है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो भी एड्रेस है उसको आप एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे ओके आफ्टर दिस द सेकेंड स्टेप हेयर इज दैट प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर को आप इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास अपॉइंट कर सकें ठीक है राइट देन आफ्टर दिस योर थर्ड स्टेप इज योर इंस्ट्रक्शन फाउंड एट द एड्रेस डिस्क्राइब्ड बाय एड्रेस रजिस्टर कॉपीड टू द डेटा रजिस्टर तो जो भी हमें एड्रेस मिला था उसमें जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली है उस इंस्ट्रक्शन को हम डेटा रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे ओके एंड देन इंस्ट्रक्शन इन डेटा रजिस्टर ज कॉपीड टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो डेटा रजिस्टर पर जो इंस्ट्रक्शन है हम उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे ठीक है तो ये जो पूरी साइकिल थी यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक दिस एंटायर फेज इज़ योर फैच स्टेज ये पूरा जो फेज है ये आपके पास फैच स्टेज है ओके उसके बाद यू सेंड दिस कंट्रोल यूनिट इट डोड्स द कॉन्टेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपकी जो कंट्रोल यूनिट है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के कॉन्टेंट को डिकोड करेगी ठीक है एंड देन फ्रॉम हेयर योर कंट्रोल यूनिट सेंट्स सिग्नल टू रेलेवेंट

ओके एंड हियर दिस स्टेज इज कॉल्ड एज योर एग्जीक्यूट स्टेज ये जो स्टेज है हम इसको एग्जीक्यूट स्टेज बोलते हैं ओके okay? सबसे पहले क्या करो प्लीज़ राइट डाउन दिस एवरी थिंग इन योर नोट बुक्स एंड राइट डन इन द चैट विंडो दे वी कैन मूव फॉरवर्ड सबसे पहले इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखें उसको डन कर दीजिए चैट विंडो के अंदर अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई की है ठीक है तो मैंने यहाँ पर जो कम्प्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल अपने आप को यहाँ पर बनाई है राइट सो दिस कम्प्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल जो मैंने यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर बनाई है इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेजेस कौन कौन से हैं सबसे पहला फेज है आपके पास फेच फेज के बाद नेक्स्ट फेज है आपके पास डिकोड और डिकोड के बाद जो नेक्स्ट फेज है आपके पास वो है एग्जीक्यूट ठीक है अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बुक्स को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज़ अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नोटेशन को यूज़ करते हैं राइट right? तो इन मेनी बुक्स यू कैन ऑल्सो फाइंड कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कुछ इस तरीके से दिए गई है सो बेसिकली दैट इज़ अ मोर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल कि वहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सबसे पहले आप फेच करेंगे इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद आप इफेक्टिव एड्रेस को इवेल्युट करेंगे राइट इफेक्टिव एड्रेस को इवेलुएट करेंगे और उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे राइट वी एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ठीक है अब यहाँ पर डिफ्रेंसेस क्या क्या है बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जहाँ पर आपको इस तरीके से आपको एक सिंपल सी एक साइकिल दी है कि फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट और कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से एक और फेज़ यहाँ पर जोड़ दिया गया है इफेक्टिव एड्रेस सो बेसिकली दोनों चीज़ें ठीक हैं यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो पहली साइकिल है यहाँ पर डिकोड के अंदर ही उन्होंने इफेक्टिव एड्रेस को इवेलुएट करना इंटरनली ही वहाँ पर इवेलुएट कर लिया है करेक्ट तो काफ़ी ऐसी इंस्ट्रक्शन सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आपको इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेसेस इन सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन बट कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जहां पर आपको इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन हैं वो दो तरह की इंस्ट्रक्शन हो सकती है राइट right? इंस्ट्रक्शन जो आपके पास हैं वो दो तरह के इंस्ट्रक्शन हो सकती है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वेयर यू आर गेटिंग अ डायरेक्ट एड्रेस एंड सेकेंड इंस्ट्रक्शन वेयर यू आर गेटिंग अ इनडायरेक्ट एड्रेस राइट सो इनडायरेक्ट एड्रेस एज वेल एज डायरेक्ट एड्रेस तो जब आपके पास डायरेक्ट एड्रेस है तब तो आपको उस समय पर इफेक्टिव एड्रेस को इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वेन अन इंस्ट्रक्शन इज़ हैविंग अ इनडायरेक्ट एड्रेस इन दैट केस यू हैव टू एवेलुएट द इफेक्टिव एड्रेस तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज होते हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस में तो उन्होंने इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट किया है उन्होंने एक साइकिल को इफेक्टिव एड्रेस के लिए यूज़ किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ऐसा क्यों किया सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन वट इज़ द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यू हैव वेदर द इंस्ट्रक्शन इज़ हैविंग अ डायरेक्ट एड्रेस और वेदर द इंस्ट्रक्शन इज़ हैविंग एन इनडायरेक्ट एड्रेस तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ दैम और समझने की कोशिश करेंगे दोनों का मतलब क्या है और दोनों में कितनी क्लॉक साइकिल्स लग सकती हैं वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ओके आई होप इट इज़ क्लियर अब अगर मैं इसको रप कर सकता हूँ तो सबसे अभी हमें जो फोकस करना है वो हमारे पास जो फेच स्टेज है अभी हम सिर्फ फेच स्टेज के पास फोकस करेंगे और समझेंगे कि फेच स्टेज पर हमारे पास क्या क्या वर्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले फैस स्टेज में क्या है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम एड्रेस रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे उसके बाद हम जो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे पास जिस एड्रेस जो एड्रेस हमें दिया है उसकी वैल्यू को इंस्ट्रक्शन के अंदर कॉपी करेंगे तो बेसिकली जो आपकी फेच साइकिल है जो आपकी ये फेच साइकिल है तो इसमें हम तीन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं पहला ऑपरेशन कौन सा है कि जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू को हमने कॉपी किया एड्रेस रजिस्टर के अंदर ठीक है दूसरा काम हमने ये किया इसके बाद कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे ठीक है और जो तीसरा वर्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि जो एड्रेस हमारे पास एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड है वो एड्रेस हम लेकर जाएंगे मेमोरी पे और वहां से जो भी वैल्यू है हम उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे दिस इज द ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म अब देखो यहाँ पर ना ये जो सेकेंड ऑपरेशन है दिस ऑपरेशन हियर मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना यू कैन ओनली डू इट आफ्टर यू हैव कॉपीड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इन एड्रेस रजिस्टर बिकॉज उससे पहले अगर आप सो करेंगे तो सब कोई मतलब नहीं बनता द इज नो मीनिंग ऑफ दिस सो वी कैन ओनली परफॉर्म इट आफ्टर यू कॉपीड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर होंगे हम सो बेसिकली वट यू कैन डू इज कि जो आपकी पहली क्लॉक साइकिल है इन योर फर्स्ट क्लॉक साइकिल यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन एंड देन इन द सेकेंड क्लॉक साइकिल यू आर गोइंग टू परफॉर्म दीज टू ऑपरेशन बिकॉज ये जो दोनों ऑपरेशन है हम इन दोनों ऑपरेशन को पैडरी परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है क्लियर अब देखो समझने की कोशिश करो मतलब मैंने क्लॉक साइकिल का नाम क्यों लिया वाई हैव आई इवन टेकन द नेम ऑफ क्लॉक साइकिल हियर क्लॉक साइकिल का मतलब क्या था एंड वाई आई वॉज इवन टॉकिंग अबाउट द क्लॉक साइकिल ठीक है देखो मैंने आपको बताया था कि हम अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी कॉम्पोनेंट लेंगे तो उन सभी कॉम्पोनेंट को सिंकनाइज़ करने के लिए हम टाइमिंग और क्लॉक सिग्नल्स का यूज़ करेंगे ठीक है और टाइमिंग और क्लॉक सिग्नल्स कैसे जनरेट किए जा सकते हैं वी कैन जनरेट टाइमिंग एंड क्लॉक सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ काउंटर्स डिजिटल लॉजिक में इन योर डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट हमने वहाँ पर काउंटर्स के बारे में डिस्कस किया था करेक्ट एंड वी कैन हैव वेरियस काइंड ऑफ काउंटर्स वी कैन हैव अ डेकेड काउंटर वी कैन हैव आई मीन वेरियस काइंड ऑफ काउंटर्स राइट तो हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ काउंटर एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ सीक्वेंस काउंटर तो जो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज अ सीक्वेंस काउंटर सीक्वेंस काउंटर ठीक है एंड फॉर सिम्पलिसिटी पर्पज़ आई एम एज्यूमिंग इट एज ए फोर बिट सिक्वेंस काउंटर बिकॉज जो आपकी बुक है बुक में हमने फोर बिट सिक्वेंस काउंटर के बारे में डिस्कस किया है सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ फोर बिट सीक्वेंस काउंटर हियर ठीक है तो ये जो आपका फोर बिट सिक्वेंस काउंटर है इसके अंदर हमारे पास तीन यहाँ पर सिग्नल्स होंगे वन विल बी योर क्लॉक एक होगी आपके पास क्लॉक एक होगा आपके पास यहाँ पर क्लियर और एक होगा आपके पास यहाँ पर इंक्रीमेंट ठीक है तो अगर आपके पास so तो फोर बिट सीकस काउंटर है सो दैट मीन्स हियर वी विल बी हैविंग फोर आउटपुट लाइन्स ठीक है देखो बिट का मतलब क्या है वॉट डू मीन बाई फोर बिट फोर बिट का मतलब है कि आप फोर बिट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जैसे फोर बिट से आप ज़ीरो जीरो जीरो काउंट कर सकते हैं उसके बाद द नेक्स्ट वैल्यू कैन बी ज़ीरो जीरो वन राइट नेक्स्ट वैल्यू कैन बी जीरो वन जीरो राइट नेक्स्ट वैल्यू कैन बी ज़ीरो वन वन अप टू सो ऑन इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ uh, काउंटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं राइट डिजिटल लॉजिक में जो हमने काउंटर्स का टॉपिक किया था द सेम टॉपिक आई एम यूजिंग हेयर आई एम जस्ट यूजिंग अ फोर बिट काउंटर जिसको फोर बिट काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई कैन यूज़ डी फ्लिप फ्लॉप आई कैन यूज़ टी फ्लिपलॉप वट एवर काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप यू वॉन्ट उसमें से किसी भी फ्लॉप को यहाँ पर फोर बिट काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ सो बिकॉज आई वॉन्ट अ फोर बिट काउंटर दैट मींस फ्लिप फ्लॉप्स डू वी नीड क्या कोई बता सकता है चैट विंडो के अंदर टू इंप्लीमेंट अ फोर बिट काउंटर वी नीड टू सो फोर फ्लिपलॉप्स हमें फोर बिट काउंटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चार फ्लिपलॉप की जरूरत है बिकॉज एवरी फ्लिपलॉप इज गोइंग टू स्टोर वन बिट हर एक फ्लिपलॉप के अंदर एक बिट स्टोर होंगी इसी वजह से आप चार बिट का काउंटर अगर आपको बनाना है दैट मीन्स यूनिट फोर फ्लिपलॉप्स आपको फोर फ्लिपलॉप्स की यहाँ पर ज़रूरत है ओके नोवड़ा कैन डू इज विद दिस काउंटर आई कैन कनेक्ट समथिंग कॉल्ड एज ए डिकोडर इस काउंटर के साथ मैं एक डिकोटर को कनेक्ट कर सकता हूँ सो बिकॉज दिस डिकोडर इज़ हैविंग फोर इनपुट देन हाउ मैनी आउटपुट्स विल भी देयर टू रेज टू पावर फोर आउटपुट्स विल भी देयर देट इज इट इज गोइंग टू बी फोर क्रॉस सिक्सटीन डिकोडर ये आपका फोर क्रॉस सिक्सटीन डिकोडर होगा सो बिकॉज इट इज़ हैविंग फोर इनपुट दैन दे विल भी सिक्सटीन आउटपुट लाइन्स हेयर राइट सो दिस इज़ यू कैन से दिस इज आउटपुट जीरो दिस इज़ आउटपुट वन अप टू सो वन द लास्ट आउटपुट विल भी आउटपुट फिफ्टीन आपके पास टोटल यहाँ पर सिक्सटीन आउटपुट्स होंगे ओके ना इमेजिन कि आपकी क्लॉक है वो किस तरीके से काम करेगी राइट right? तो आपकी क्लॉक है वो कैसे बनती है सो इफ़ यू रिमेंबर इट आप सब सभी को याद होगा सो आई कैन मेक अ क्लॉक लाइक दिस राइट मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ सो दैट आप सभी को क्लियर रहे सो योर क्लॉक इज समथिंग लाइक दिस कुछ इस तरीके से आपकी क्लॉक होती है राइट right? ये आपकी क्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके okay? नाउ अब ये जो काउंटर है वो किस तरह का काउंटर है बाई लुकिंग एट इट कैन यू टेल मी कि ये जो काउंटर है वो पॉजिटिव एज टिकट है या पॉजिटिव लेवल टिकट है जब यहाँ पर जो मैंने क्लॉक बनाई है आई क्रिएट अ स्मॉल एरो हियर दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव एज टिकट फ्लिप फ्लॉप यानी कि जब भी हमारे पास इस क्लॉक के अंदर ये वाली पॉजिटिव एज आएगी वेन एवर आई एम गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव एज लाइक दिस तो जो आपका काउंटर है इट विल स्टार्ट वर्किंग ठीक है इट विल स्टार्ट वर्किंग वेन एवर वी गेट अ पॉजिटिव एज सो दैट मीन्स when you started this counter initially in the first clock cycle it will produce this one तो so, इसका जो काउंटिंग होगी वो ऑल ज़ीरोज़ होंगी यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्लॉक साइकिल होगी उस समय पर ये जो डिकोडर है इट विल जो आपका पहला जो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है राइट दिस आउटपुट हियर सो दिस आउटपुट हियर जो फर्स्ट आउटपुट आपका डिकोडर का दैट विल प्रोड्यूस अ वैल्यू वन दैट विल प्रोड्यूस अ वैल्यू वन फॉर द फर्स्ट क्लॉक साइकिल पहली क्लॉक साइकिल के लिए ये यह यहाँ पर जो वैल्यू है ये वन को प्रोड्यूस करेगा एंड देन एज सुन एज द फर्स्ट क्लॉक साइकिल इज़ फिनिश्ड जैसे ही पहली क्लॉक साइकिल यहाँ पर फिनिश हो जाएगी इट विल चेंज द वैल्यू टू ज़ीरो ओके क्लियर उसी तरीके से एज सुनज दैक नेक्स्ट क्लॉक साइकिल विल कम जैसे ही अगली क्लॉक साइकिल आएगी यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल ज़ीरोज़ एंड वन ठीक है और यू कैन से अगर आप ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं इफ़ यू रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस कि ये आपका इनपुट जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज प्रेजेंटिंग इनपुट जीरो दिस रिप्रेजेंटिंग इनपुट वन दिस इज प्रेजेंटिंग इनपुट टू एंड दिस रिप्रेजेंटिंग इनपुट थ्री राइट तो यानी कि अगली जो क्लॉक साइकिल्स आएंगी राइट सो इट विल प्रोड्यूस वन ज़ीरो 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 विच इज प्रेजेंटिंग ए वैल्यू वन यानी कि जो आउट आउटपुट लाइन वन है राइट right? तो जैसी लेट मी ऑल्सो शो यू समथिंग तो मेरे को एक और चीज़ को यहाँ पर आई हैव टू टेक केयर ऑफ वन मोर थिंग हियर तो यस सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग बिकॉज ऑब्वियसली जो क्लॉक है वो भी यहाँ पर सिंगनाइज करनी है तो लेट मी चेंज इट एंड मेक इट फॉर यू गाइज राइट तो अब देखो कहने का मतलब है कि आपकी फ़र्स्ट क्लॉक साइकिल कहाँ पर आ रही है वेन वेन योर फर्स्ट क्लॉक साइकिल इज कमिंग सो इफ़ यू चेक इट तो जो आपका आउटपुट ज़ीरो जो है जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज आएगी

सॉरी फिफ्टीन जो आपका आउटपुट फिफ्टीन होगा सो दिस आउटपुट फिफ्टीन विल टेक अ वैल्यू वन फॉर द फिफ्टी क्लॉक साइकिल इतना समझ आया हाउ दिस इज़ वर्किंग वैन वेन दीज आउटपुट्स आर टेकिंग अ वैल्यू वन देखो ये वैल्यू वन कब लेंगे दीज आउटपुट विल भी टेकिंग अ वैल्यू वन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस काउंटर तो अगर आपका जो सीक्वेंस काउंटर है सीक्वेंस काउंटर इज़ प्रोड्यूसिंग आउटपुट वन ट्रिपल जीरो तो आउटपुट वन जो है वो वन हो जाएगा उस समय पर जैसे ही सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू वन जीरो वन जीरो जीरो हो जाएगी यानी कि जो आउटपुट टू है दैट विल टेक अ वैल्यू वन या फिर जैसे ही सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू वन वन डबल जीरो हो जाएगी तब आपका जो आउटपुट थ्री है दैट विल टेक अ वैल्यू वन तो इस तरीके से हर एक क्लॉक साइकिल पे एक जो डिकोडर का आउटपुट है दैट विल बिकम एक्टिवेटेड इतना समझ आया कि एट एवरी क्लॉक साइकिल एट एवरी क्लॉक साइकिल एग्जैक्टली वन आउटपुट ऑफ द डिकोडर विल टेक अ वैल्यू वन ओके इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज आई बिलीव कि ये इतना आसान नहीं है और आपको वन गो के अंदर ये इतना ईजीली समझ में नहीं आएगा ठीक है सो एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो शो यू द बुक तो मैं आपको एक बार बुक भी शो करता हूँ ठीक है लेट मी ऑल्सो शो यू द बुक हियर सो बुक के अंदर दिस इज़ द डायग्राम दैट इज़ गिवन ठीक है तो ये डायग्राम गिवन है और यहाँ पर जो मैं सिर्फ़ इस सर्किट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सर्किट तो ये जो सर्किट है इसमें छोटा सा जो सर्किट है मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और ये जो टाइमिंग एंड क्लॉक सिग्नल्स यहाँ पर दिया हुआ है वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइमिंग यानी क्लाक सिग्नल ठीक है ओके सो लेट मी मेक इट स्टेप बाय स्टेप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं ताकि इसको और बेटर तरीके से हम लोग समझ सकें ओके okay, तो मैं डिजिटल लॉजिक पे वापस जाता हूँ सो आई गो बैक टू डिजिटल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई ट्राई एंड एक्सप्लेन कि काउंटर्स को कैसे हम लोग बना सकते हैं